नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मैं कुलदीप उपाध्याय, यक्सीट के यूट्यूब चैनल पर सभी लोग जुड़ जाइए। जैसा कि आपको पता है, कल जो घट जो समाचार आप लोगों को पता ही चल गया है, और साथ ही साथ आप लोगों के जो पेपर कैंसिल हुआ है उसका न्यूज़ भी हर व्यक्ति को जानकारी में हो गया है। आपको यानी ये चीज़ होना नहीं चाहिए था। वास्तव में हम लोग खुद दुखित हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अंदर से हिम्मत तो नहीं है कि पेपर को सॉल्व कराया जाए, क्योंकि बहुत ही कष्ट का विषय है कि आप जिसके लिए तैयारी करते हैं, जिसके लिए जी जान लगा करके मेहनत करते हैं, वो पेपर ही ना हो। और पेपर अगर मिले भी तो पता चले कि वो पेपर आउट हो चुका है, तो इससे ज़्यादा शर्म का विषय और क्या होगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको हम हालांकि आप लोगों को आंसर भी पता चल गया होगा, लेकिन आइए एक बार हमारा फ़र्ज बनता है कि पेपर को पूरा अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, और आप लोग अपना मिलाइए कि कितना आप लोगों ने उसमें मतलब प्राप्त किया, कितना आपके उसमें सही हो रहे हैं, तो एक बार अपना सब लोग मिलान करेंगे। आइए शुरू किया जाए हिंदी के सेशन को। आप सभी लोगों का क्लास में स्वागत है। अर्चना यादव, नीरज यादव, ठीक है, आदर्श यादव, सभी लोग भैया जुड़ते चलिए। जितने लोग थे, सर जी हिंदी में 27 राइट है। किरण रजक, देखिए बच्ची बहुत बढ़िया। हमें उम्मीद है कि आप लोग हिंदी में बहुत बेटर किए होंगे। किसी के एकाध प्रश्न, दो प्रश्न गलत हो जाए वो अलग बात है। जैसे पेगोलॉजी का सेक्शन हम नहीं पढ़ा पाए थे, तो वहाँ पर हो सकता हो कि गलती हो गई हो, बाकी और सारे जो है लगभग आपको आ रहे होंगे प्रश्न। तो आइए शुरू किया जाए आज का सेशन, ठीक है। चलने देना भैया कमेंट। पहला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न था बौना का तत्सम क्या होगा। देखिए बौना का तत्सम आपसे पूछा गया है, बहुत ही आसान प्रश्न है, हिंदी का बहुत ही आसान सा सेगमेंट था, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। सर आपका पढ़ाया हुआ सब आया था, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है बच्ची। बहुत बढ़िया लगता अगर ये पेपर हुआ होता। तो पहले तो सेशन को शेयर कर दीजिए, बहुत कम संख्या भाई, इतने में मज़ा नहीं आएगा। देखिए हम लोग सॉल्व कराने के लिए उपस्थित हुए हैं, और आपका सारा सब्जेक्ट सॉल्व कराया जाएगा, ठीक। तो थोड़ा सा विलम्ब हुआ उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, 5 मिनट पेपर वगैरह लगाने में। तो आइए शुरू करते हैं, पहले प्रश्न का उत्तर आप लोग दें। देखिए क्या लगाए हैं, आप लोग भी उत्तर देते चलिएगा अगर आप लोगों को आ रहा होगा तो। जैसा कि बौना का तत्सम रूप आपसे पूछा गया भैया, वामन, बपन, वापन या फिर बान। बान कोई शब्द ही नहीं है, वर्तनी के हिसाब से गलत हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा तो नहीं हम, लेकिन आपको क्वेश्चन के आंसर और कुछ एक्सप्लेन करते चलेंगे। बाकी यार मन तो बहुत दुखित है, ध्यान रखेंगे, बान नहीं होगा, वापन नहीं होगा, ठीक है। वामन शब्द जो दिया गया है ये बिल्कुल करेक्ट जवाब बनेगा, बपन भी गलत है। तो सही जवाब मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, बौना का तत्सम रूप आप लोग क्या बताएंगे, वपन होता है, बपन, सॉरी बौना का वामन होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों का। दे चलने दो यार, अरे सर लिंक कोड भेजना है, ये हट क्यों जाता है। वामन आप लोगों के जवाब है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। धूमकेतु का पर्यायवाची क्या है, असुर, अश्व, अग्नि, आकाश। इसको बताइएगा क्या जवाब बनेगा, आप लोग बताएं क्या जवाब दिए हैं भैया। एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे यार, बहुत कम संख्या है भाई, सभी लोग जुड़ करके एक बार पेपर को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है भैया। आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएँ तो अच्छा लगेगा। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। धूमकेतु का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, क्या असुर है, अश्व है, अग्नि है, आकाश है। कई बार जब हम पढ़ा रहे होते हैं रस टॉपिक को, हालांकि इसमें आपके मतलब चलने वाला था उत्प्रेक्षा अलंकार तक हम लोग पहुँचते, ठीक है, या फिर रूपक अलंकार पहुँचते, तो अलंकार जब पढ़ा रहे होते हैं या रस पढ़ाया जाता तो एकदम सेम आपको उदाहरण हम बताते हैं, जैसे कि बालदि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लील बेको काल रसना पसारी है, कैधो व्योम बीति का भरे है भूर धूम केतु वीर रस वीर तरवार सी उघारी है। इस वाले में जो धूमकेतु शब्द आया है वो किसको इंगित करने के लिए आया है, ध्यान रखिएगा। इस उदाहरण के माध्यम से भी इस उत्तर को आप सही कर जाते तो धूमकेतु का आशय भैया ध्यान रखिएगा अग्नि से है, ठीक है ना, अग्नि से है, विकल्प नंबर बी अग्नि सही है। जिन लोगों का अग्नि जवाब होगा वो बिल्कुल करेक्ट जवाब माना जाएगा, अग्नि सही होगा भैया, ध्यान रखेंगे, विकल्प नंबर बी, ठीक। एक बार वीडियो को शेयर करते चलेंगे भैया, ठीक है, आप लोग शेयर करते रहिएगा। तो धूमकेतु का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, ध्यान रखिएगा किसका होता है, असुर का। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आप लोगों के बीच में है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 60 का उत्तर दीजिए।
आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों के अद्भुत या अतुल्य शक्ति दे रहा है। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में, ये में शब्द रहेगा, टाइपिंग में थोड़ा सा एरर है, में अद्भुत या अतुल्य शक्ति दे रहा है। कौन ये काम कौन कर रहा है? तो ध्यान रखिएगा, बताया गया किसको? विज्ञान को। फिर इसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष यानी कि उत्थान के लिए और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में इसका प्रयोग होता रहेगा। किसका? विज्ञान का। जैसा कि आपको पता है, विज्ञान के जरिए कोई किसी को नीचा दिखाने का यानी कि अपने से नीचे को परास्त करने का भी परास्त कार्य करता है। कोई उठने में, कोई ग्रोथ करने में भी अगर उत्कर्ष किसी का हो सकता है तो उसमें भी कौन भूमिका अदा करता है? वो विज्ञान अदा करता है। फिर इसलिए हमें इस भावना को जागृत रखना है। और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भेद भावना नहीं है और भावना को दबाए रखे, ठीक है ना, और दूसरी भेद रहित भावना को दबाए रखे। नैतिक अंकुश के बिना शक्तिमानों के लिए हितकर नहीं होगा, ये बात पूछी गई है। आइए अब देखेंगे इसमें सही जवाब क्या बनेगा। उपर्युक्त पंक्ति में कौन मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है? उपर्युक्त पंक्ति में मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति कौन दे रहा है? सीधे सीधे बताया गया ऑप्शन नंबर ए में विज्ञान के द्वारा ये चीज हो पा रही है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा, इसमें कोई गलती नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के जवाब देखते हैं क्या बताएं आपने। एक तरफ से आप लोगों का उत्तर आया है विज्ञान की तरफ, तो बिल्कुल करेक्ट जवाब है भैया। जी 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 बच्ची जी जी 40 मिनट हुए थे, बस इतने में सब खत्म हो गया। हाँ, निराश मत होइए, फिर से आपका डेट आ चुका है, ठीक है, फिर से डेट आया है, फिर से आपकी परीक्षा आयोजित होगी, ठीक है। 26 दिसंबर डेट आपका आ रहा है, मतलब आ चुका है। अब फाइनली हमें नहीं पता है कि हो सकता हो कि साइट पे ना दिया हो तो फाइनली उस पर भी आ जाएगा। तो 26 दिसंबर मान करके एक महीने का टाइम मिला है, एक महीने में हम लोग इस पूरे, ठीक है ना, इस पूरी घटना का पूरा पूरा अच्छे से इस्तेमाल करेंगे और एक महीना हम लोग पूरा जी जान लगा देंगे पढ़ाई में, ठीक है, यानी और अच्छे से तैयारी को अपना बेहतर बनाएंगे। आइए शुरू करेंगे फिर आगे के प्रश्न को। तो इसका प्रश्न सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कफन कहानी के लेखक ये कौन नहीं जानता है? ध्यान रखिएगा, ये बात पूछी जा रही है। जल्दी से बताएं दोस्त, जल्दी से आप लोग का उत्तर आ जाए भाई। गुड आफ्टरनून चंदन यादव बच्ची, ठीक है, किरण रजक, ठीक, आशुतोष अम्बेडकर विज्ञान ऑप्शन नंबर ए, आकांक्षा तिवारी, प्रीति तिवारी, आशुतोष, ठीक, सभी लोग बताते रहे भाई, कमेंट नहीं चल रहा है भाई, बताएं भैया इस प्रश्न का जवाब क्या बनेगा। हाँ, कमेंट करते रहिए। आकांक्षा तिवारी ऑप्शन नंबर ए, प्रीति तिवारी ए, सपना सिंह ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा सही जवाब क्या बन जाएगा दोस्त। कफन कहानी के लेखक कौन नहीं जानता है? प्रेमचंद जी का एक फेमस रचना है, इस बात को जानते रहेंगे तो इसका सही जवाब क्या बन जाएगा भैया? प्रेमचंद, ठीक है ना। चलिए अगली बार। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबल बाल पतंग बिगसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, इसमें बताइएगा क्या जवाब बनेगा भैया? इस प्रश्न का सही जवाब क्या बनेगा कौन बता सकता है? ध्यान रखेंगे दोस्त, हम अलंकार तक यहाँ तक पहुँचे ही थे, अर्थालंकार हम शुरू ही कर रहे थे तो उसी बीच में, ठीक है, उसी बीच में फिर प्रैक्टिस सेशन यानी पेपर सॉल्विंग होने लगा, नहीं तो ये सब प्रश्न आपके चुटकियों का खेल था। सेम डिक्टो प्रश्न से डिक्टो एग्जाम्पल हम लिखवाते हैं और ये पूरा पूरा आपके नोट्स में रहता है, ठीक है, आप देखते और तुरंत बता देते कि इसमें कौन सा जवाब बनेगा। ध्यान रखिएगा, उदित उदयगिरि मंच पर भगवान श्री रामचंद्र जी जब धनुष यज्ञ में उपस्थित होते हैं यानी विवाह किसका, सीता जी का विवाह उनके साथ जब हो रहा था, तो जब वहाँ पर राजा जनक के यहाँ जब वो उपस्थित होते हैं तो जनक के यहाँ जो मंच था जिस पर वो विराजमान थे, उस मंच पर ऐसा प्रतीत हो रहा था यानी मानो कोई उदयाचल पर्वत पर सूर्य की भांति रोशनी देने वाला रोशनी
देने वाला कोई व्यक्ति वहां पर उपस्थित हो गया हो, अर्थात यहां पर संभावना बताई गई किसकी, उदयाचल पर्वत की, और साथ ही साथ उस पर उपस्थित होने वाली जो सूर्य की किरण होती है उसके समान उसको बताया गया है, यानी संभावना बताया गया है। तो ऐसी स्थिति में संभावना, ध्यान रख, सॉरी संभावना नहीं बल्कि दोनों के बीच में रूपक अलंकार यानी आरोपण किया गया है। उदित उदयगिरी मंच पर, उदित उदयगिरी मंच पर, गिरी उदयगिरी मंच में क्या किया गया भैया, रूप का आरोपण किया गया है, यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं है। ठीक, उदयगिरी मंच पर दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार का नहीं बल्कि रूपक अलंकार का यह उदाहरण है, यानी रूपक अलंकार इसमें सही जवाब माना जाता है। उदित उदयगिरि मंच पर एक बार अर्थ समझ लेंगे, ठीक है ना। मेरे सेट में यह क्वेश्चन नहीं था, नहीं भैया था, रहा होगा, जरूर रहा होगा, ठीक है, हो सकता हो स्किप हो गया हो, आप देख ना पाए हो, लेकिन जरूर रहा होगा। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, रघुबर मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में बताया गया कि उनका जब अद्भुत रूप, यानी जान ही रहे हैं आप 16 वर्ष अवस्था थी उनकी, तो उदित के उदयगिरी मंच पर उनके विकसित रूप के माध्यम से जब वो उदित हुए थे, किनके यहाँ, राजा जनक के यहाँ, उसी का बिगसे संत सरोज सब उनके विकसित रूप को, उनके अच्छे रूप को देख करके क्या हर्ष लोचन भृंग, जब वहाँ पर विराजमान जो संत ऋषि महात्मा थे उनके अद्भुत रूप को देख करके, उनके नेत्रों को देख करके उनके नेत्र खिल उठते हैं, अर्थात वो प्रसन्नचित हो जाते हैं। तो इसमें सब जगह पर दोनों के बीच में क्या किया गया है, आरोपण किया गया है, रूपक अलंकार इसमें हो जाता है, ध्यान रखिएगा भैया। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के जवाब भी आए हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उससे बैठा नहीं जाता है में कौन सा वाच्य है, कितनी बार वाच्य को पढ़ाते समय हमने बताया है कि वाच्य होता क्या है, वाच्य के बारे में आपको पता है कि वाच्य करते क्या है, वाच्य भैया क्या होता है, वाच्य के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि वाक्य में प्रयोग की गई क्रिया किसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार, या कर्ता कर्म के अनुसार ना होकर के बल्कि भाव के अनुसार है, जिसके अनुसार वो प्रयोग की गई होगी उसी को हम वरीयता देंगे। तो ध्यान रखिएगा, पहली बात तो इसमें ता क्रिया का प्रयोग, यानी ता क्रिया अंत में आती है, नहीं का शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन 100% ये जरूरी नहीं है कि नहीं केवल और केवल भाववाच्य में ही होता है। भाववाच्य कहता है कि ज्यादातर इसके वाक्य नकारात्मक होते हैं और अकर्मक क्रिया पर आधारित होते हैं, इसमें कोई कर्म नहीं है, उससे बैठा नहीं जाता, दादाजी से चला नहीं जाता, ये सारे किसके उदाहरण माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए भाववाच्य के। ठीक है, भाववाच्य इसमें सही माना जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब आप लोगों के हैं, बहुत अच्छा आप लोगों का प्रयास रहा है, उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे से पेपर को दिए होंगे। ठीक, कितनी बार अव्यय को पढ़ाते समय हमने बताया भैया, ध्यान रखिएगा, जैसे बोला गया राम धीरे धीरे चलता है, राम धीरे धीरे पढ़ता है, ये कहा गया है धीरे धीरे पढ़ता है, हमने कहा कि जब कोई शब्द संज्ञा के पहले आकर के उसकी विशेषता बताने का काम करे, तो ऐसी स्थिति में अगर वो संज्ञा को फॉलो कर रहा है, सर्वनाम को फॉलो कर रहा है, तो उसका नाम विशेषण पड़ता है, लेकिन अगर वो क्रिया के लिए प्रयोग किया गया है तो ऐसी स्थिति में उसको नाम देते हैं क्रिया विशेषण। अब देखिएगा, राम धीरे धीरे है कि पढ़ता धीरे धीरे हुआ है वो, तो आप लोग आसानी से बता पाएंगे, हमारा मन खुद जवाब देता है कि राम के पढ़ने की जो प्रक्रिया है वो कैसे है, धीरे धीरे है, तो धीरे धीरे उसके द्वारा पढ़ा जाता है, यानी राम के पढ़ने का एक तरीका हुआ। तो ऐसी स्थिति में क्रिया विशेषण का चार प्रकार होता है, उसी चार प्रकार में पहला प्रकार है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यानी कार्य के करने का जो ढंग होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। हमारे आपके द्वारा जो भी कार्य किसी भी तरीके से किया जाता है, अर्थात कार्य या क्रिया के करने का जो तरीका होगा उसे हम क्या कहेंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। उम्मीद करूंगा कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे, एक बार बताएंगे, कन्फर्म हो रहा भैया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का ये उदाहरण था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब बन जाएगा, विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिमालय से गंगा निकलती है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, जहाँ पर कोई वस्तु किसी से, किसी दूसरे वस्तु से अलग होती है, यानी अलगाव की स्थिति अगर कहीं पर दिखाया गया हो और से चिन्ह का प्रयोग किया गया हो, डेफिनेटली वहां पर क्या बताना होता है, अपादान कारक। ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों का जवाब दिया गया होगा वो सही जवाब दिए होंगे, अपादान कारक होता है, गंगा हिमालय से निकलती हैं,
पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये सब क्या है, अलगाव की स्थिति बन रही है, इस वजह से इसमें क्या बनेगा भैया, ध्यान रखिएगा, अपादान कारक, कर्ता ने, ठीक है, जहाँ पर कर्ता के द्वारा कोई कार्य संपन्न किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक, ठीक है। कर्म कारक क्या होता है, कर्म को होता है, यानी कर्म कर्ता के द्वारा जो कर्म किया जाता है, जो काम किया जाता है, उसमें कौन पाया जाएगा, कर्म कारक। करण कारक क्या होता है, जो व्यक्ति यानी कर्ता जिस कार्य को जिस साधन के माध्यम से करता है, जैसे अगर हम कहें कि हम पेन से लिखते हैं तो हमारे द्वारा लिखने का या साधन कौन सा प्रयोग किया जा रहा है, पेन, तो पेन से लिखते हैं, इस वजह से इस स्थिति में हम बताएंगे क्या, करण कारक। तो ध्यान रखिएगा इसमें सही जवाब ऑप्शन नंबर ए था, विकल्प नंबर ए अपादान कारक। हुआ खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है, इसको बताएं, देखें, सोचें और बताएं। शेयर नहीं कर रहे हैं भाई आप लोग, संख्या बहुत कम है, ठीक है, एक बार वीडियो को शेयर करके सभी लोग भैया बता दें। इसमें देखिएगा पूछा गया कि वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है, ध्यान रखेंगे भैया, सकर्मक और अकर्मक क्रिया हमने जब पढ़ाया था, सकर्मक और अकर्मक क्रिया, तो हमने कहा था कि भैया सकर्मक का मतलब होता है जहां पर क्रियाओं के साथ कर्म पाया जाए, जहां पर क्रियाओं के साथ कर्म पाया जाता है या उपस्थित रहता है उसे हम कहते हैं सकर्मक, और जहां पर क्रियाओं के साथ कर्म ना उपस्थित हो उसे कहा जाता है अकर्मक। तो सकर्मक और अकर्मक में डिफरेंस ये है कि ध्यान रखिएगा, सामान्य स्थिति में अगर हमारे सामने कर्म ना दिख रहा हो तो ये अकर्मक क्रिया मानते हैं, लेकिन कभी कभी ये अपवाद की स्थिति होती है कि व्यक्ति कोई कार्य करता है, उस कार्य के बदले में उसमें कुछ ना कुछ आशय निकलने की संभावना रहती है, ठीक है, तो जहाँ पर उत्तर के मिलने की संभावना रहती है वो अकर्मक होते हुए भी सकर्मक माना जाएगा, यानी पहले नंबर पर हम वरीयता किसको देंगे, सकर्मक को। जैसे अगर हम कहें कि मैं खाता हूँ, तो अगर कोई व्यक्ति खा रहा है, मैं खाता हूँ या कोई भी व्यक्ति, आप खाते हैं तो आप खा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ ना कुछ व्यक्ति के द्वारा कार्य किया गया है, यानी वहाँ पर कर्म के बनने की पूरी पूरी संभावना बन रही है, चाहे वो व्यक्ति, ठीक है, आम खा रहा हो, फल खा रहा हो, सब्जी खा रहा हो, खाना खा रहा हो, दाना खा रहा हो, कुछ भी खा रहा हो, लेकिन कुछ ना कुछ खाने के सेंस में उसके द्वारा रिजल्ट मिलने की यानी कर्म के बनने की संभावना बनती है। ऐसी स्थिति में जहाँ पर कर्म के संभावना बनती है उसे हम सकर्मक मानते हैं। मैं गाता हूँ इस स्थिति में मेरे द्वारा कुछ ना कुछ तो जरूर गाया जाता होगा, तभी ये बात बताई जा रही है। लेकिन अगर बोल दिया जाए पक्षी उड़ते हैं, तो बताइए वहाँ पर कोई कर्म बनने की संभावना होगी, नहीं, क्योंकि पक्षी उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं, कितना उड़ते हैं, कैसे उड़ते हैं, कोई उत्तर नहीं मिलेगा, इसलिए इसको हम क्या बताएंगे, अकर्मक क्रिया, और निश्चित रूप से अकर्मक क्रिया होगी। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि वह खेल रहा है तो व्यक्ति के द्वारा कुछ ना कुछ खेला जा रहा होगा, चाहे वो फुटबॉल खेल रहा हो, चाहे क्रिकेट खेल रहा हो, चाहे हॉकी खेल रहा हो, तो यहाँ पर कर्म के बनने की संभावना बन रही है, इस वजह से इसको हम क्या बताएंगे, सकर्मक क्रिया का उदाहरण मानेंगे। उम्मीद करूंगा ये बात आप समझ पाए होंगे। अगले पर, चमचमात चंचल नयन बीच घंट पर झीन, मानव सुर सरिता विमल जल उदात युग्मीन, इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है। अकर्मक नहीं है बच्ची, सकर्मक क्रिया का उदाहरण था, ध्यान रखेंगे, सकर्मक ऑप्शन नंबर, पक्षी उड़ते हैं अकर्मक हो जाएगा, हाँ बहुत बढ़िया, ये तो अकर्मक होगा। लेकिन अगर कहा जाए कि वह व्यक्ति गाता है, मैं गाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं ऐसा, अगर बोल दिया जाए मैं रोता हूँ, तो क्या रोता हूँ, कितना रोता हूँ, कोई कर्म बनने की संभावना नहीं रहेगी। इस प्रश्न को देखिएगा क्या जवाब बनेगा, चमचमात चंचल नयन बीच घंट पर झीन, इसमें एक नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि चमचमात चंचल नयन, उसके चंचल नयन, उसके अच्छे नयन क्या हैं भैया, यानी नायिका के नयन की बात की गई है, कि नायक कवि कहता है कि हमें उसके नेत्र को देखने के बाद, नायिका के नेत्र को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है जैसे चमचमात चंचल नयन बीच घंट पर झीन, यानी कोई घूंघट के बीच में से एक मुखड़ा निकला हो, और उस घूंघट के मुख जैसे घूंघट जो पहनी रहती है, यानी साड़ी जो पहनी रहती है, उससे जो घूंघट निकलता है, घूंघट को हटा करके अगर देखा जाए तो उस घूंघट में से नायिका का जो सुंदर नेत्र था वो चमक रहा था, और उसके चमकते हुए नेत्र को देखने के बाद ऐसा लग रहा है, ठीक है ना, उसको लगने देखने के बाद ऐसा लग रहा था, मानव सुर सरिता विमल जल उदात युग्मीन, जैसे जैसे सरिता के बीच में, तालाबों के बीच में, समुद्र के बीच में दो मछलियां क्या होती हैं, उछलती हैं, कूदती हैं, तो उसी प्रकार से
ऐसा लग रहा था यानी घूंघट के बीच से कौन उसके नायिका के सुंदर नेत्र बाहर चमक रहे थे, झलझला रहे थे। तो नायिका के बीच का वर्णन किया गया है, तो ध्यान रखिएगा इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। और अगर मान लीजिए किसी पंक्ति का कोई अर्थ आपको ना आता रहे तो मैं आपको कीवर्ड बताता हूँ, ठीक है। हालांकि अब मैं आपको कोशिश करूंगा कि अलंकार जो छूटा है वो पूरा करा दूंगा आपके एग्जाम तक, यानी अर्थालंकार ही प्रश्न में आया है तो अर्थालंकार मैं जरूर पढ़ाऊंगा, चाहे और कोई चीज़ चले या ना चले, लेकिन हम ये अर्थालंकार आपको जरूर पूरा कराएंगे। तो उसमें आपको ये ट्रिक बताता हूँ भैया, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। मानव शब्द जनु जानो मनो मानो, ये अगर लक्षण में विद्यमान हो या पंक्ति में कहीं दिख जाए तो ऐसी स्थिति में वहां पर अलंकार कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उम्मीद करूंगा ये बात आप समझ पाए होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब था, यानी यहां पर संभावना व्यक्त की गई है उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए आगे पढ़ेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है बच्चे, खुशबू दुबे जी, ठीक बच्ची, करवा देंगे करवा देंगे। गरिमा मौर्य, राहुल, इसमें बताइएगा सूरत का सातवां घोड़ा, सूरत नहीं है बल्कि सूरज का सातवां घोड़ा, इसको सही कर लेंगे, यानी सूरज का सातवां घोड़ा ये किसकी कहानी है, ये बात आपसे पूछी जा रही है, ठीक है ना। और गुनाहों का देवता किसकी रचनाएं है? सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा, ये बचपन से हम लोग रचना पढ़ करके चले आ रहे हैं। धर्मवीर भारती ऑप्शन नंबर डी, इनकी फेमस रचनाएं हैं दोनों, ध्यान रखिएगा, गुनाहों का देवता और साथ ही साथ धर्मवीर भारती। तो सही जवाब क्या बन जाएगा भैया? एक बार वीडियो को शेयर करेंगे यार, आप लोगों की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है भाई, ठीक है, मजा नहीं आ रहा है दोस्त, ठीक। ज्यादा से ज्यादा लोग भाई प्रैक्टिस सेशन में, इसमें पेपर सॉल्विंग में जुड़ जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वा का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताइएगा वा का उच्चारण स्थान क्या होगा? वा का उच्चारण स्थान भैया ध्यान रखेंगे, जब मैं वर्णमाला आपको पढ़ा रहा था तो इसको जोर दे करके बताया था किसको, या रा ला और वा, ये अक्षर थे, और बगल में लिखा था आपको याद आ रहा हो तो तीनों सा, बड़ा सा और इसी प्रकार से मूर्धन्य सा, इसी प्रकार से आपका छोटा सा जिसे आप कहते हैं, फिर हा, ये वर्ड था। तो इनके आगे हमने लिखा था तालब्य, यानी दोनों कहां से बोले जाते हैं? तालब्य से, ठीक है भैया। सा और या का उच्चारण, रा कहाँ से बोला जाता है? मूर्धन्य से, यानी मूर्धा से उच्चारित होने वाला वर्ड है। इसी प्रकार से ला के बारे में बताया था भैया, ये दोनों दंत से बोले जाते हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखा करिए क्योंकि ये पूछा जाता है। और यही देखिए वा के बारे में पूछा गया था, तो ऐसे ही सेम संरचना हमने वर्णमाला पढ़ाते समय बताया था। वा भैया कहाँ है? वा एकमात्र ऐसा उच्चारण वर्ड है जो दो दो जगह से बोला जाता है, दंतोष्ट से उसका उच्चारण होता है, और एकमात्र ऐसा उच्चारण स्थान है जो वा के या व्यंजन के बोलने में प्रयोग किया जाता है, बाकी दंतोष्ट आप कहीं नहीं पाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दंतोष्ट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अग्नि का विशेषण क्या है? अग्नि, अग्नि का विशेषण रूप आपसे पूछा गया है, क्या बनाएंगे? अग्नि, अज्ञे, आग्ने या फिर आग, बताएंगे भैया? हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जवाब आप लोगों का आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया। वीडियो को शेयर करते चलेंगे, बस जल्दी से बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या बनेगा। अग्नि का विशेषण रूप, ध्यान रखिएगा बाबू, आग्नेय होता है, विकल्प नंबर बी, ठीक है। हाँ जब विशेषण पढ़ा रहे थे उस समय आपको संकेत किए थे इन सब चीजों का, तेजाब में कौन सी संज्ञा है, सेम यही वर्ड ही लिखवाया है हमने जब आपको संज्ञा हम पढ़ा रहे थे, मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा जब पढ़ा रहे थे तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ये बात बताया था हमने, ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था। तो द्रव वाले में आपको हमने बताया था भैया क्या, जो मटेरियल नाउन से संबंधित होता है यानी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आपको पढ़ाया गया था, तो उसी में रायता, दूध, पेट्रोल, डीजल, तेल, पानी, ये सारी चीजें, और उसी में तेजाब का भी जिक्र हमने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नाव जल में तैरती है, इसमें मैं शब्द शायद पेपर में दिया है तो इसी को देख करके लोग कंफ्यूज हुए हैं, ध्यान रखिएगा नाव जल में तैरती है, नाव जल में तैरती है, तो ध्यान रखेंगे दोस्त, में चिन्ह का प्रयोग या नहीं भी दिया गया होगा तो में चिन्ह का प्रयोग या ऊपर या पर चिन्ह का प्रयोग अगर कहीं पर किया जाता है और वहां पर उसके आधार का प्रताप चले तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है भैया? अधिकरण कारक माना जाता है, क्या? अधिकरण कारक,
यानी जो वस्तु का व्यक्ति का आधार होता, अभी यूपीपी का प्रैक्टिस सेशन जब हम लेकर के आते हैं दोनों दिन इस पर आधारित प्रश्न पूछा गया है, बहुत आसानी से आप जवाब दे पाते अगर वो पढ़े होते तो। ठीक है, अधिकरण कारक होगा विकल्प नंबर डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, वह पढ़ता होगा इस वाक्य का काल क्या है। वह पढ़ता होगा, सेम चीज आपको बताया था भैया, क्या जब हम लोग पढ़ रहे थे काल, काल चैप्टर में ध्यान रखिएगा, ये पहचानने का तरीका है कि होगा क्रिया के द्वारा हमें पता चलता है कि कार्य अभी संदिग्धता में है, यानी कार्य के होने में संदिग्धता बनी है, और ता क्रिया के द्वारा ये पता चलता है कि वर्तमान काल का वाक्य है। अब संदिग्ध वर्तमान काल का वाक्य कहलाएगा क्योंकि होगा के द्वारा हमें ये पता चल रहा है कि कार्य में अभी संदिग्धता है। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पढ़ा रहे हैं या आप स्कूल जाते हैं पढ़ते हैं, तो आप ये आशा करते हैं कि हमारा भाई घर पर पढ़ता होगा, तो वर्तमान में उसके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है या नहीं, इस बात के लिए कहीं ना कहीं संदिग्धता बनी रहती है। तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्त, संदिग्ध वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर सी, 46 का ऑप्शन नंबर सी, संदिग्ध वर्तमान काल। अगले पर चलते हैं, आदर शब्द से विशेषण बनेगा, इस प्रश्न को बताएं भैया क्या जवाब बनेगा, आदर शब्द से विशेषण आप क्या बनाएंगे, क्या आदरणीय होगा, क्या उसका सही जवाब मतलब क्या बनेगा इसको थोड़ा सा बताइएगा, आदर शब्द का जो विशेषण रूप बनेगा वो क्या होगा। जल्दी से बताएं, आदरणीय आप लोगों के जवाब आ रहे हैं, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब भैया, ध्यान रखेंगे। आदर का जो विशेषण रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं, आदरणीय कहते हैं। ठीक है, आदर पूर्वक नहीं, आदरकारी नहीं, बल्कि विकल्प नंबर सी आदरणीय होता है। हिन हिनाना शब्द है संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया विशेषण, इसको बताइएगा। जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का 48 नंबर का सही जवाब क्या बनेगा, हिन हिनाना ये क्या है, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया विशेषण, जल्दी से बताएं भैया। अड़तालीस नंबर डाल करके बताएं कौन सा जवाब बनेगा, हिन हिनाना। 48 का जब आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे अनुकरणात्मक क्रिया, तो वहां पर आपको बताए थे कि क्रिया का जो रूप बनता है, ध्यान रखेंगे क्रिया विशेषण इसमें सही है। क्रिया विशेषण कैसे, जैसे कहा जाए कि घोड़ा हिनहिना कर बोलता है, तो घोड़ा के बोलने की जो प्रक्रिया है, बोलने की जो विशेषता बता रहा है वो कैसे, हिनहिनाना से। तो वो क्योंकि यह क्रिया की विशेषता बताया है, ना कि घोड़ा हिनहिना, बल्कि वो बोलता हिनहिना की तरह है, यानी उसके द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भैया। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न पर चलें। नीचे दिए गए चार विकल्पों में से क्या करें, मोटिवेटर गया तिवारी सर, हम लोग फाइनल में हैं, आपकी क्लास यूट्यूब पे रहेगी, किस भी भैया, ठीक है ना, घोड़ा ही नहीं आता है, क्रिया की विशेषता भैया ध्यान रखेंगे। ठीक, 26 दिसंबर को पेपर है, हाँ रहेगी भैया, अभी यूट्यूब पर रहेगी। इसको देखें, नीचे दिए गए चार विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है, औधा, अवगुण, अवतार, अवमूर्ध, इसमें बताइएगा क्या जवाब बनेगा, जल्दी से बताएं भैया। इस प्रश्न को बताएं, इसमें बताइएगा तद्भव रूप आपसे पूछा गया है, ऑप्शन नंबर डाल करके बताया करिए, गरिमा मौर्य, राई किरण रजक, ठीक, बहुत बढ़िया, बताएंगे ऑप्शन डाल करके, ऑप्शन तो बताएंगे ही प्रश्न डाल करके। 49 का विकल्प नंबर ए आप लोगों के जवाब आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा औधा होगा, बिल्कुल सही जवाब, तद्भव रूप ध्यान रखेंगे औधा होगा, ठीक है ना, औधा रूप, यानी आपसे पूछा गया है कि इसमें तद्भव शब्द क्या है, तो
तो ध्यान रखिएगा बाबू, क्या है अवतार, अवमूर्ध, अवगुण, ये सब क्या हैं ध्यान रखेंगे। ये तत्सम में लिखे गए रूप है, लेकिन औधा आपका तद्भव में लिखा गया रूप है। 50 का सही जवाब दें, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या कहलाता है, जल्दी से बताएंगे। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, जल्दी से बताएंगे। हाँ बहुत बताएं, 50 का विकल्प नंबर सी, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या कहलाता है। विकल्प नंबर डी आप लोगों के जवाब आ रहे हैं। विकल्प नंबर 50 का डी, ऑप्शन नंबर डी भैया, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, ध्यान रखिएगा कुलीन कहलाता है, ठीक है, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति। कहते हैं ना जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे भैया। ऑप्शन नंबर डी जिन लोगों का है, सर ये मेरे पेपर में नहीं था। हाँ, कुछ पेपर में कुछ, सर ये तो नहीं था पेपर में। हाँ, कुछ लोगों के पेपर में नहीं था भाई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये पेपर में, हाँ पेपर में भी रखा हूँ क्योंकि हमारे पास है, ये अलग से टाइप हुआ है, ध्यान रखेंगे। उसके लिए सही जवाब भैया क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कुलीन कहते हैं, ठीक है, श्रेष्ठ नहीं बल्कि कुलीन कहेंगे। कुल में, उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति कुलीन कहलाएगा, यानी जो अपने खानदान में, ऊंचे खानदान में व्यक्ति पैदा हुआ है उसी को क्या कहते हैं, कुलीन, ठीक है ना, मेरे में नहीं था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, श्री गणेश का विलोम आपसे पूछा गया है। हाँ किसी किसी पेपर में नहीं था, ठीक, इसीलिए तो सब गड़बड़ी हुआ भैया, ध्यान रखेंगे, मेरे में भी नहीं था, दीपक सिंह, चलिए कोई बात नहीं, देख लिया गया, इसको देखेंगे आगे। श्री गणेश का विलोम आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, हम हमेशा समझाते हैं, जब कोई काम शुरू किया जाता है तो श्री गणेश की अवस्था होती है, जब उसको हम समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं, तो क्या किया जाता है, इतिश्री करते हैं। तो विकल्प नंबर विलोम में इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले प्रश्न पर, सुखी पिया को जो मैं ना देखूँ कैसे काटूँ अधेरी रतिया, किस कवि काव्य की पंक्तियां हैं। तो ध्यान रखिएगा ये फेमस पंक्ति किसकी है, अमीर खुसरो की, किसकी भैया, अमीर खुसरो की। विकल्प नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 51 का आप लोग क्या बता रहे हैं, पर सर ये भी नहीं था, 51 वाला भी नहीं था, चलिए नहीं था कोई बात नहीं, आ गया है, ठीक, किसी किसी के सेट में आया है, शायद ये टाइप हुआ है तो आया होगा, तभी आया होगा, ठीक। आइए सुखी पिया के, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का प्रश्न का सही जवाब है। जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है, तुलसीराम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, कंबल भारती और साथ ही साथ श्योराज सिंह बेचैन। तो ध्यान रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की ये आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब बनेगा। इसमें तो और भी आसान क्वेश्चन है, हाँ ये सर जी कहाँ के क्वेश्चन पेपर है, कल्पना मिश्रा बच्ची आया है, किसी किसी पेपर में हो सकता हो आया हो, ठीक, हमारे सामने भी ये पेपर आया है तभी तो हम बता रहे हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, अगर मान लीजिए आया ही होगा। सब्ज बाग दिखाना, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है, घुन लग जाना, घुन नहीं है बल्कि धुआं, ठीक, घुन लग जाना, विस्तृत अनुभव होना, अच्छी बातें कहकर बहकाना, पीछा छुड़ाना। तो ध्यान रखिएगा ये तो प्रश्न रहा होगा भाई, ये प्रश्न रहा होगा दोस्त, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका सही जवाब क्या होगा बाबू, अच्छी बातें कहकर बहकाना। अगर किसी को हम लोगों को बहकाना रहता है तो उसी को मुहावरे में क्या कहते हैं, सब आओ चले तुम्हें सब्ज बाग दिखाते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा विकल्प नंबर डी इसका करेक्ट जवाब बनेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न हो जाती है तो पहली क्रिया को क्या कहा जाता है, इच्छा बोधक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम बोधक क्रिया या सहायक क्रिया। ध्यान रखेंगे भैया ये था, हाँ 54 वाला था सर, ठीक है, वही एक आध दो प्रश्न नहीं आया था, कोई बात नहीं,
ठीक, देख लिया हमने। देखिए, जब कर्ता एक क्रिया के समाप्त करके दूसरी क्रिया आरंभ की जाए, हम जब क्रिया आपको पढ़ाए थे तो याद आ रहा हो तो दो क्रियाओं को एक साथ हमने पढ़ाया था। एक पढ़ाया था भैया तात्कालिक क्रिया, एक एक क्रिया को हमने बोला था तात्कालिक क्रिया, और दूसरी क्रिया को हमने बोला था भैया क्या, पूर्वकालिक क्रिया। क्या नाम बताए थे? पूर्वकालिक क्रिया। ये दो क्रियाएं हमने बताया था। क्या होता है तात्कालिक का मतलब? होता है तत्काल, जहां पर दो क्रियाएं एक साथ चल रही होती हैं। याद आ रहा हो तो हम बताए, जैसे वह लड़की गाते हुए नाच, वह लड़की हंसते हुए नाच रही थी। जैसे आप देखते हैं कोई व्यक्ति हंस भी रहा होता है, नाच भी रहा होता है, तो उसके द्वारा दो क्रियाएं चल रही होती हैं, तो ऐसी क्रिया को हम तात्कालिक क्रिया कहते हैं। लेकिन एक क्रिया के संपन्न होते ही अगर दूसरी क्रिया संपन्न हो जाए, शुरू हो जाए, यानी एक क्रिया बीती हो और दूसरी क्रिया शुरू हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो क्रिया बीती होती है उसी को नाम क्या देते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। तो यहां पर कहा गया कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके, ये देखिए एक क्रिया बीत चुकी है, दूसरी क्रिया में संलग्न होता है, तो ऐसी स्थिति में संपन्न हुई क्रिया को, यानी पहली क्रिया को, पूर्वकालिक क्रिया के नाम से जानते हैं। सेम डिक्टो जो उदाहरण, जो परिभाषा हमने लिखाया था, थोड़ा सा उसमें फेर बदल करके शब्दों का, बाकी वही सेंस है, वही भाव है, तो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। नाम बोधक क्रिया क्या होती है? जब क्रिया संज्ञा सर्वनाम, जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में आना या वाना प्रत्यय लगाने के द्वारा बनती हैं, उन्हें हम नाम बोधक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया का एक प्रकार है। संयुक्त क्रिया के कुल 11 भेद आपको हमने बताया था, उसी 11 में से एक नाम ये भी आता है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बाबू? हाँ, बहुत बढ़िया सर जी, ईवीएस बहुत टफ आया था, एक भी प्रश्न पढ़ा हुआ नहीं था, ईवीएस। अरे नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है, ईवीएस वाले सर तो बता रहे थे कि सेम टू सेम प्रश्न फंसा है। ठीक है, हिंदी में हमारे लगभग, ये मान के चलिए केवल अगर आपको हम अलंकार पढ़ा ले गए होते, तो व्याकरण और साहित्य से जो भी प्रश्न आया था वो एक भी बाहर नहीं जाता। ठीक है, जो आपको रूपक उत्प्रेक्षा ये सब पढ़ा दिए थे उसी में से सब आया भैया, ध्यान रखेंगे। फूले का सकल मह छाई, मह छाई, हाई नहीं है ये, बल्कि छाई शब्द है, छाई शब्द है। ठीक है, और जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में बताया गया, जन जानो मन मानो जनहु, ये ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक समझ लीजिए। पंक्ति का अर्थ चाहे आपको आता हो चाहे ना आता हो, लेकिन अगर वो उत्प्रेक्षा अलंकार की पंक्ति रहेगी तो डेफिनेटली 100% इस बात को लिख करके ले लीजिए, इन्हीं में से कोई ना कोई शब्द आपको टकरा जाएगा। वो कौन कौन सा शब्द है? जनु जानो मनु मानो मनहु, जान पड़ता है, यानी आगे से अगले पेपर में अगर आया तो इसी में से पक्का है फंसेगा, इसके अलावा कोई वर्ड नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। जनु जानो मनु मानो मनहु, जान पड़ता है इच्छा से, इच्छा से, और साथ ही साथ मकु, इस मकु और इच्छा शब्द को जोड़ लीजिएगा, क्योंकि किताबों में हो सकता हो आपको ना मिले, तो ये दो वर्ड भी हैं किसको, संभावना को व्यक्त करने वाले शब्द हैं, यही इन्हीं में से वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, और उसको देखिए और तुरंत बता दीजिए कौन सा रस, कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, यानी 56 नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आता है? सेम टू सेम तीनों वर्ड हमने आपको लिखाया है कहाँ पर? संज्ञा वाले चैप्टर में, जब आपको जातिवाचक संज्ञा हम पढ़ा रहे थे, तो घर का नाम, पहाड़ का नाम, नदी का नाम, घर नहीं लिखाया है, बाकी पहाड़ और नदी यही डिक्टो वर्ड लिखाया है, किसमें आता है? जातिवाचक संज्ञा में। इनको कहने से तुरंत हमारे दिन में, हमारे आपके मन में उत्कंठा होती है कि कौन से पहाड़ की बात कर रहे हैं, किस नदी की बात कर रहे हैं, तो जिसमें ये भावना, जो ये प्रश्न उठने लगता है, ऐसे वर्ड किसमें आते हैं? जाति का बोध कराते हैं। लेकिन अगर किसी नदी का नाम ले लिया जाए, गंगा नदी, ठीक है ना, अरावली पर्वत, ठीक, हिंद सतपुड़ा का, ये सारे नाम ले लिए जाए, तो भैया ध्यान रखिएगा उनमें क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। उसने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का बोध है? उसने कुछ नहीं खाया, इसको बताइए।
उसने कुछ नहीं खाया, इसमें बताइएगा क्या जवाब होगा। कमेंट सर, कमेंट हुआ, गायब हो जाता है वो। चलिए, उसने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का बोधक है? तो ध्यान रखिएगा बाबू, ये देखिए, कुछ की बात की गई है, कुछ सर्वनाम जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो कोई और कुछ सर्वनाम अगर याद आ रहा हो तो क्या बताइए, हमने नहीं बताया है। सर्वनाम का अनिश्चयवाचक सर्वनाम जब पढ़ा रहे थे कोई और कुछ, और प्रश्नवाचक सर्वनाम में बदल जाता है कौन और क्या। दरवाजे पर कौन खड़ा है, ठीक है, दूध में कुछ गिरा है, दूध में कुछ मिला है, ये सारे उदाहरण हमने बताए थे आपको। तो कुछ शब्द का प्रयोग कहां पर किया जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। सर, हिंदी में मेरे सारे सही थे, सिर्फ एक गलत हो गया था। बहुत अच्छा बच्ची, आप पर डे क्लास में रहती भी थी, ठीक है, बहुत बढ़िया रागनी जी, ठीक है, आप क्लास में रहती भी थी। देखिए, उसी का, हाँ, ये सब क्लास में बच्ची रहती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जरूर फायदा मिला होगा ये, मैं पूरा पूरा, आप लोग खुद बताएंगे, मैं कहूँ तो ये अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग जितने लोग ईमानदारी से क्लास को किए होंगे, अगर मैं अलंकार का जो रेस्ट पार्ट रह गया था उसको पढ़ा देता तो डेफिनेटली 300 के 300 प्रश्न आपके पढ़ाए हुए हमारे नोट से फंसे थे, ठीक है। ये हम कहें तो ज़्यादा बेकार लगेगा, उससे कहीं ज़्यादा आप लोग बताएंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा भैया, ठीक है ना। आगे, निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है? ध्यान रखिएगा, यही लास्ट में सोचे थे भैया कि पैगोलॉजी का भी आपको एकाध है, मतलब एकाध दिन लेकर के कक्षा जरूर बताते, तो ध्यान रखिएगा इसी के बारे में बताया गया है। तो आगमन और निगमन प्रणाली जो होती है पढ़ने की, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण शिक्षण प्रणाली कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए लोगों ने, जिन लोगों ने किया होगा सही होगा। देखिए, सभी लोगों के आ रहे हैं, हिंदी तो बहुत ईजी था। इजी भैया, देखिए, पढ़ने से लगता है, बाकी इजी हु आता हुआ ही क्वेश्चन गलत होता बाबू, ध्यान रखेंगे, ठीक है बाबू। इकबाल अहमद जी, ये तो हैं, आप सभी लोगों का पढ़ाया हुआ आया था सर पेपर में, ठीक है। हाँ, मैथ के डिक्टो प्रश्न फंसे हैं, तो पेपर तो हुआ होता तो बहुत अच्छा जाता भाई, भाई इसमें कोई दो राय नहीं था। तो ध्यान रखिएगा, व्याकरण शिक्षण प्रणाली कहते हैं। अगला, बस यही तक है, 69 प्रश्न तक था भाई, प्रश्न खत्म हो गया, एक प्रश्न और रहा होगा, एक पेज और है। तो दोस्त ध्यान रखेंगे, ये आपका यानी 30 सेट 30 प्रश्न था, तो उसमें 29 किया गया है। एक प्रश्न ऐसे हमें याद है, ठीक है ना, जो पूछा गया था, जूठन आत्मकथा के लेखक। अच्छा, ये तो हो गया है, रुकिए हम बताते हैं। एक प्रवर का विलोम पूछा गया था, वही प्रश्न टाइप नहीं हुआ है। प्रवर का विलोम, ध्यान रखिएगा, अवर होता है, विलोम टॉपिक में कॉपी पलट करके देख लीजिएगा, सेम यही वर्ड हमने लिखाया है, पलट करके देख लीजिएगा, ठीक है। यही पेपर टाइप नहीं हुआ, यानी उस प्रश्न को टाइपिंग में हो सकता हो मिसिंग हो गया हो, ठीक है, वो भी इंसान है। तो हम आपको अर्ली बता दिया कि अवर का विलोम आपसे पूछा गया था, प्रवर का विलोम, अवर होता है यानी बात को घुमा करके, हम आपको लिखाए थे अवर का विलोम प्रवर, तो प्रवर की बात पूछ ली गई है तो उल्टा हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा ये 30 प्रश्न आपने बखूबी किए होंगे, ठीक है। हालांकि अच्छा तो नहीं हुआ, ये पेपर आपका हुआ होता तो आप बहुत अच्छा मार्क करते, यानी इजी पेपर आया था, कोई दिक्कत नहीं होता, आराम से हर व्यक्ति कर लेता, जो थोड़ा बहुत भी क्लास किया होता वो आराम से कर लेता। तो ठीक है, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, अगर अब पेपर टफ बन करके आएगा तो उस लेवल की हम लोग और तैयारी करेंगे, बचे हुए 25-30 दिन में हम लोग बढ़िया से मेहनत करेंगे और चीज़ें बेटर हो पाएंगी। अब हमारे बीच में, आपके बीच में आएंगे कौन, ठीक है, एसपी सर, यानी अब आपका शुरू होगा मैथ का सेगमेंट, आप इनके साथ जुड़ करके मैथ के प्रश्न को सॉल्व करिए और अपने आत्मविश्वास को ऊंचा करिए कि हम पेपर में बैठ करके इतना प्रश्न आसानी से कर पाए हैं। तो हिंदी का सेगमेंट में आप लोगों के कितने स्कोर हुए, ठीक है, और पूरे प्रश्न से आप लोग कितना खुश हैं, ठीक है, तो कैसा लगा सेशन जरूर बताइए और साथ ही साथ जुड़िए सर के साथ, मैथ की प्रैक्टिस यानी मैथ का पेपर आप लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद, रात में मिलेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेशन में, रात में 10 बजे से हम आपको हिंदी के लिए करके उपस्थित होंगे, 8 बजे से आपका पूरा प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होगा। तो गणित से आप लोग जुड़िए 8 बजे रात को, फिलहाल अभी तक आपको पढ़ते रहना है, पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर।
एक्सीट परिवार में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। और देखिए कि यूपी टेट का जो पेपर कल हुआ था जो कि रद्द हो गया दोस्तों, बहुत दुख की बात है। और आप लोग को पता ही होगा कि पेपर क्यों रद्द हुआ। तो सबसे पहले आज उस पेपर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और आप दिखाएंगे कि पेपर में प्रश्न कैसे आए थे, सेम वही क्वेश्चन कैसे फंसा, अंक भी नहीं बदला है। यूट्यूब पे जाके जो शुरू से क्लास देखा होगा पूरा फायदा पाया होगा। ठीक है, आप लोगों ने देखा भी, आपको हम क्वेश्चन दिखाते हैं कि कैसे प्रश्न परीक्षा में जो आए थे सेम उसी तरह क्वेश्चन आया। आपको पता होगा प्रॉफिट लॉस का अंक भी नहीं बदला गणित का, याद है ना आप लोग को। प्रश्न आपको दिखा दे, जो लोग बच्चे शुरू से क्लास करते हैं जो प्रॉफिट लॉस का वीडियो देखे होंगे, रागनी पांडे जी, सालू, ये सब शुरू से क्लास देखे थे, प्रीति तिवारी, कल्पना मिश्रा। देखिए जो मैथ के क्वेश्चन आए थे, आप लोग देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न था इसको हम आपको दिखा दें, इसके अंक भी नहीं बदले, सेम वही क्वेश्चन जो पेपर में आया था वही एग्जामिनर ने, मतलब जो हमने पढ़ाया था वही इसने छाप दिया। यहाँ क्या लिखा है, विनय एक घड़ी 75 रुपये में बेचता है जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो घड़ी की लागत मूल्य क्या होगी। यहाँ घड़ी दिया, हमने क्या बोला था, एक वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर वस्तु का जो लाभ प्रतिशत है वो क्रय मूल्य के बराबर होता है। सेम वही क्वेश्चन, ठीक है, मैटर टाइप है, आपको हम बताने जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा के कराया जाएगा दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए पेपर के बारे में हम चर्चा करते हैं और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और क्वेश्चन को देखिए। दयानंद कुमार, सबसे मेरे अच्छे सर आप हैं, थैंक यू सो मच दयानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग का प्यार और सम्मान है। आइए गणित के सेक्शन में हम लोग चलते हैं, बिंदास एकदम आज दिखाते हैं कि गणित एकदम हलवा था। जब आप लोग बोल दोगे गणित में कोई दम नहीं था, और दोस्तों हम आपको दिखाएंगे यूट्यूब पे जितने भी लोग कराए हैं सबका गलत कराया गया सोल्यूशन है, सब गलत सोल्यूशन कराए हैं, ऐसे चैनल से बच के रहिएगा। ये मेरा गुस्सा नहीं, मैं उन टीचरों से कहता हूँ सावधान हो जाए, गलत ना पढ़ाएं, पढ़ाना बंद कर दे, पढ़ के आए पढ़ाएं, ऐसे चैनलों से सावधान रहिएगा, गलत आपको सोल्यूशन दिया गया दोस्तों। उस सोल्यूशन को देखिएगा, हम दिखाते हैं जितने बड़ी बड़ी कोचिंग आप लोगों को जो कस्टमर समझता है ऐसे चैनल से दूर रहिएगा, आप हमारे भाई बहन हैं, समझ में आए कि नहीं। तो आप लोग देखिएगा क्या गलत है, उसको स्क्रीनशॉट लेकर आज फैला दीजिएगा और ऐसे चैनल को त्याग दीजिए। अपने भाई बहनों से भी कहिए कि उस चैनल को त्याग दे जो गलत पढ़ाया है। ठीक, अभी हम आपको दिखाते हैं, मतलब बताओ तुम गणित को मजाक बना दिए हो, गणित के प्रश्न गलत क्यों सॉल्व करवा रहे हो आप लोग। तो उन चैनलों से, अपने भाई बहनों से मैं कह रहा हूं सतर्क हो जाए ऐसे चैनल से जहां पर गलत सोल्यूशन दिया गया हो। तो आइए हम आपको दिखाते कौन सा सलूशन गलत दिया गया है। सभी लोग लाइव आइए, वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, अभी एकदम सेम आपको हम बताते हैं कैसे कैसे प्रश्न आया, कैसे कैसे क्या है। यदि 15 मजदूर एक सड़क को 48 घंटे में बनाते हैं तो उसी काम को 30 घंटे में बनाने के लिए आवश्यक मजदूरों की संख्या कितनी होगी। देखिए कितना आसान है, क्या लगेगा बाबू ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे लगाएंगे, M1 D1 बराबर M2 D2। क्या लिखेंगे, M1 D1 बराबर M2 D2। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे, सभी लोग इसका आंसर बताएं। 15 मजदूर एक सड़क को 48 घंटे में बनाते हैं, यानी 15 × 48, सभी लोग इसको सॉल्व करके बताएंगे। तो देखिए क्या करा, उसी काम को 30 घंटे में करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी, एक्स गुड़े कितना हो जाएगा 30, 15 × 30 और 2 से इसको काट दो 24। सभी लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड, चंद्र जी खुश रहिए। हाँ सर, जो आप पढ़ाए थे सेम आए थे, रागनी पांडे जी, कल्पना मिश्रा, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। तो ये 91 का आंसर आप लोगों ने बताया, बी ऑप्शन। आप लोग वीडियो को पहले शेयर कीजिए, पहले इस आंकड़े को 100 पार लेकर जाइए। आप लोग मेरे प्यारे भाई बहन जितने भी लोग, वीडियो को शेयर करो, स्टेटस में लगाओ, हर ग्रुप में डाल दो कि एक बार बच्चा देखे तो उसको लगे कि हाँ मैथ यहाँ एकदम 100% सब सॉल्व, सही तरीके से सॉल्व कराया गया। ठीक है, तो आप लोग पहले शेयर कीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा, सब लोग इसको 100 के पार लेकर जाओ। जितने भी लोग देख रहे हैं, सपना सिंह, प्रीति, गरिमा, गुड्डू, अनिल मौर्या जी, कल्पना मिश्रा, गुड्डू कुमार, सब लोग इसको 100 पार लेकर जाइए पहले आंकड़े को। वो न्यूनतम अंक एक्स पूछा क्या, वो न्यूनतम यक्स अंक यक्स है जिसके लिए संख्या इतना 11 से विभाज्य है। 11 का नियम दो दो तरीका हमने बताया था, याद कीजिए, दो दो तरीका, जोड़ा बनाने वाला नियम और एक क्या बताया था आपको, एक आपके जो किताबी नियम है उसको भी बताया था। ठीक है, दो तरीका हमने बताया था, एक जोड़ा बनाने का नियम और एक किताबी नियम। पहले आप आशीर्वाद दीजिए, मनोज यादव जी खुश रहिए, मनोज यादव जी मेरा आशीर्वाद आपके साथ हमेशा है, बस आप सभी लोग आगे बढ़िए। आज गणित के सारे प्रश्नों को देखिए बेहतरीन तरीके से, कैसे कैसे जो पढ़ाया गया था सेम क्वेश्चन कैसे फंसा है ये भी आपको हम दिखाते चलते हैं।
तो इसको देखिए लगाने का दो नियम, एक क्या है विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो संख्या 11 का कटेगा, और एक क्या था जोड़ा बनाना, दो दो का जोड़ा बनाते थे। तो चलो पहले एक नियम से हम लोग देख लेते हैं, ये एक नियम है, क्या करेंगे 3+4+3+2 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 12। उसके बाद हम लोग का जो बचा है उसको लिख लीजिए 2+x+4 बराबर कितना हो जाएगा, तो 6+x हो गया। इन दोनों के बीच का अंतर क्या हो जाए, 0 हो जाए या 11 गुणज, अगर x की वैल्यू हम 6 रख दें तो 12 अंतर 0 आएगा, यानी x की वैल्यू क्या निकल के आया, ए ऑप्शन 92A। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। तो आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोला है, एक वृत्त और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। तो इसमें देखो, इसमें कुछ लोग डाउट में हो गए थे, ठीक है, इस प्रश्न में पूछा कुछ और है और वो समझ गए कुछ और। एक वृत्त और उसके अंदर, एक वृत्त है और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग के क्षेत्रफल, अगर पूछता बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा तो उसका अनुपात दूसरा निकल के आता। लेकिन इसने क्या पूछा है कि एक वृत्त है, वृत्त के अंदर वर्ग बना, जैसे मान लीजिए ये हमने क्या बना दिया, वृत्त बना दिया, ठीक है, हमने वृत्त बना दिया और इस वृत्त के अंदर हमने क्या बना दिया, एक वर्ग बना दिया, ये दे दिया, ये वृत्त का केंद्र है। तो जाहिर सी बात है जो वर्ग का विकर्ण होगा वो वृत्त का व्यास बनेगा, क्या बनेगा, वृत्त का व्यास बनेगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और वर्ग के विकर्ण क्या करेंगे, ये जो वृत्त का व्यास है इसी को हम लोग अगर देखा जाए तो 2r बनेगा, r और r 2r हो जाएगा, और इसी व्यास को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग का विकर्ण है और इसको √2a बोला जाता है। अगर इसकी चारों भुजाएं आपस में समान हैं तो यही होता है √2a, वर्ग की चारों भुजाएं समान होता ही है, ठीक है। तो अगर इसके कंडीशन में देखा जाए तो क्या बोला, एक वृत्त और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो अनुपात क्या होगा बोलता तो उत्तर दूसरा होता, तभी से ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं लगाते, लेकिन इसने पूछा उसका अनुपात। अच्छा, जाहिर सी बात है अगर वृत्त की त्रिज्या बढ़ेगी तो वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा कि नहीं होगा, बताइए, वृत्त की त्रिज्या अगर बड़ी होगी तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जो वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल बड़ा बनेगा, है कि नहीं है, तो वृत्त की त्रिज्या के समानुपाती होगी, एकदम राइट आंसर हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोला, देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन है, भिन्न का क्वेश्चन, हमने आपको एक क्वेश्चन कराया था बटे में 10 लिखवाया था, है कि नहीं है, तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, 102.7 भैया, ऐसे क्वेश्चन भी परीक्षा पूछता है, कुछ नहीं तो बटे में एक रहता है, ये दशमलव हटेगा बटे में जीरो लगेगा, और ये संख्या देखो पी अपान क्यू के रूप में है, और तो ज़्यादा सरल होगा नहीं, और पूछा क्या क्यू का मान क्या होगा, तो तुरंत उत्तर बता दो आप लोग। इतना छोटा भी हमने शुरुआत किया था, याद करो हमने यहाँ से शुरुआत किया था 0.1 से, इसको हमने बोला था 1/10, याद आ रहा है ना, सब कुछ हमने दे दिया था और देखो वही चीज़ यहाँ दे रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बोलिए बी ऑप्शन, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड, क्लियर हुआ, सबको समझ में आ गया 94। आइए चलते हम लोग आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, किसी को कोई दिक्कत, रुपया 600 साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में रुपया 720 हो जाता है, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए तो वो धन कितना होगा, ठीक है, तो 4 वर्ष में 720 हो रहा है और अगर ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए तो वो धन कितना होगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले दर निकाल लेते हैं, ठीक है, तो क्या बोला है, 600 रुपया हमारे पास मूलधन है, यानी मूलधन कितना है 600 रुपया, दर निकाल लेते हैं पहले, समय कितना दिया गया है, समय 4 वर्ष और बटे में 100, क्योंकि आपको पता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, और बराबर ये जो 600 रुपया है 720 रुपया हो जाता है, यानी ब्याज कितना मिला होगा 120 रुपया, है कि नहीं है। अब क्या करेंगे, इस जीरो से इसको काट दिया और उसके बाद 6 से इसको काटो तो 6 × 12, 4 से इसको काटो 4 × 5 = 20, यानी आर की वैल्यू कितना होगी, आर की वैल्यू आपका 5 निकल के आया, और बोला अगर ब्याज की दर हम 2% बढ़ा दें, यानी जो 5 है ये 7 हो जाएगा, तब क्या होगा, तो 600 और गुणे में 7 और गुणे में कितना हो जाएगा, समय यही रहेगा बटे में 100, देखो कितना ब्याज निकल के आ जाएगा, तो ये दोनों जीरो इससे कट जाएगा, यानी जो आपका ब्याज निकल के आएगा ये हो जाएगा 6 × 7 = 42 और 42 × 4 कितना होता है 168, यानी 168 रुपया मुझे ब्याज मिला, 600 में जब 168 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 768 हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, सालू यादव जी बहुत ही अच्छा, वेरी गुड, रागनी पांडे, सब लोग वीडियो को शेयर कीजिए बाबू, क्या बात है, आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, मज़ा नहीं आ रहा है इसे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, देखो कितना शानदार क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होगा,
100% सही है, कोई भी संख्या लेकर देखो, हमने लिया तीन और ये पाँच, तीन और पाँच कितना होता है आठ, हमने लिया माइनस एक और हमने ले लिया एक, माइनस और एक क्या होता है जीरो, यानी ये सब हमेशा योग जब भी करते क्योंकि जीरो भी पूर्णांक संख्या आठ भी पूर्णांक संख्या, तो दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होगा, एकदम सही है। पूछा सही नहीं है कौन, दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होता है, ये भी एकदम राइट आंसर है, कुछ भी ले लो, एक बटे दो और एक बटे तीन, अगर इसका योग करेंगे तीन इक्कम तीन, दो इक्कम दो, तीन दो पाँच, पाँच बटे कितना हो जाएगा छः, ये भी एक परिमेय संख्या, एकदम राइट आंसर है। आपका मन का एक बटे दो और यहाँ पर आप क्या ले लो माइनस का एक बटे दो ले लो, इसको जब जोड़ोगे जीरो, जीरो को हम जीरो बटे एक ले सकते हैं, ये भी एक परिमेय संख्या, यानी ये भी सही है कि नहीं है। अब आइए, दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या होगा, ये देखो ये हम दावा नहीं कर सकते, दो अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया रूट थ्री और प्लस में लिख दिया रूट टू, तो इसका योग तो यही हो जाएगा जो कि एक अपरिमेय संख्या है, जो कि क्या है एक अपरिमेय संख्या। हमने लिख दिया रूट टू प्लस रूट टू, इसका योग क्या आएगा टू रूट टू, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन सबके लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। हमने लिख दिया रूट थ्री और माइनस का रूट थ्री, ये दो अपरिमेय संख्या, अगर इसका योग करोगे तो बनेगा जीरो और जीरो को हम लोग जीरो बटे एक ले सकते हैं, यानी ये अपरिमेय संख्या नहीं है। तो दो अपरिमेय संख्या का योग एक अपरिमेय संख्या दावा नहीं कर सकते हैं, यानी यही आपका गलत हो जाएगा, यानी यही आपको टिक लगाना था। आगे, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग एक प्राकृतिक संख्या होगा, हमने आपको संवरक नियम पढ़ाया था, याद कीजिए हमने आपको संवरक नियम पढ़ाया था, उसमें योग का नियम पढ़ाया था, उसमें गुणा का नियम पढ़ाया था, देखो पूछा गया बाबू वो भी क्वेश्चन आया कि नहीं आया। तो दो प्राकृतिक संख्याओं का योग हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगा, कुछ भी आप लेकर देखिए, कोई भी मन में लो, एक प्लस पाँच बराबर छः प्राकृतिक संख्या, तीन प्लस सात बराबर दस एक प्राकृतिक संख्या, सौ प्लस तीन सौ कुछ भी ले लो बराबर चार सौ एक प्राकृतिक संख्या, मिला कि नहीं मिला, तो इसका राइट आंसर सी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, कोई संख्या अपने 20% से सात अधिक है, वो संख्या क्या होगी। कोई संख्या हमने मान लिया x और x अपने 20% से, x अपने 20% से कितना ज़्यादा है, साठ ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई संख्या अपने 20% से अगर हम इसमें 60 जोड़ दें तो वो संख्या मुझे मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू के इधर लेकर आएंगे, 60 बराबर x माइनस 20x बटे 100 और इसको इससे काटो तो 20 पंचे 100, 5x माइनस 1x कितना आ जाएगा 4x बटे 5 और इधर क्या हो जाएगा 60, ये इससे कट जाएगा तो 15 और 15 पचे कितना आएगा 75, x की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 75, ये राइट आंसर डी ऑप्शन। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, संख्या 3070 के सर्वाधिक निकट 17 से पूरी तरह विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या क्या होगी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, अब अगर ऐसे प्रश्न आप देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है, ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे, बस 3070 और इसको हम लोग किससे भाग देंगे 17 से, बहुत प्यार से भाग देना, 17 से भाग दीजिए, 17 एकम 17 कितना हो जाएगा 13, 7 और कितनी बार जाएगा 17 अट्ठे कितना हो जाएगा 136 कितना आया शेष, यहाँ 10 आ गया। अब अगर इसमें हम कितना जोड़ दें, अगर घट देखो अगर हम इसमें क्या करेंगे, इसमें कितना जोड़ दें कि ये पूरी तरीके 17 से कट जाए, तो अगर हम इसमें 7 जोड़ दें तो ये कितना आ जाएगा 3077, अगर हम इसमें 10 घटा दें तो भी कटेगा, तब उत्तर क्या आएगा 3000 कितना आ जाएगा, अगर हम 10 घटा दें इसमें से तो 3060 आएगा। लेकिन पूछा इसने क्या है, पूछा क्या कि इसके सर्वाधिक निकटतम कौन है, तो इसके सर्वाधिक निकटतम आप बताइए 3077 है कि 3060 है, आप लोग बताइए क्या होगा 3077 इसका राइट आंसर होगा। यानी कहने का मतलब क्या, जो ये शेषफल आया इसका मान इसके आधे से अगर ज़्यादा है, इसके आधे तक है तब दोनों में से चाहे जो ले लो, लेकिन अगर इसके आधे से अगर ज़्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा जोड़ के उत्तर निकालेंगे ऐसे प्रश्नों में, और अगर आधे से कम है तो हम लोग क्या करेंगे घटा के उत्तर निकालेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगला प्रश्न क्रय मूल और विक्रय मूल का अनुपात 4:5 है, कितना आसान सवाल है बाबू, क्रय मूल और विक्रय मूल का अनुपात 4:5, हमने बताया था जब भी कभी प्रश्न आए क्रय मूल को 100 बनाओ उत्तर पाओ, 100 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे, इसमें 20 से, 20 पंचे 100 तो इसमें भी 20 से गुणा कर दो, 20 चौक 80, भैया 100 रुपये खरीद के 80 में बेचोगे घाटा कितना हुआ, 20% का लॉस हुआ कि नहीं हान, तो कितने का हुआ 20% का, बात समझ में आया। आइए आप लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यदि किसी धन का विकर्ण 83
सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ये 83 नहीं बाबू, इसको 8√3 लिख लीजिए, 8√3। यदि किसी घन का विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? घन का विकर्ण जो होता है वो क्या होता है? √3a होता है। ये हमने नोट लिखवाया था, घन का विकर्ण जाके कॉपी पलट के देखिएगा, घन का विकर्ण √3a। कॉपी अगर लोगों नहीं नोट्स बनाए तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहाँ पर मिल जाएगा आपको √3। और ये कितना आ जाएगा? 8√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, यानी a बराबर मुझे पता चल गया 8। और क्या पूछा? तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² होता है। 6a² यानी 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 64। तो 6 चौक 24 कितना आ जाएगा? 8 × 4 यानी 6 चौक कितना हो जाएगा? यहाँ पर 8, सॉरी ये 8 है, 6a² 8 × 64 6 चौक 24 के 4 और 6 × 36 और 2, 36 और 2 कितना हो जाएगा? 38। तो 384 वर्ग सेंटीमीटर कहाँ पर है? डी ऑप्शन लगा दीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। बात सबको समझ में आया? कितना आसान है गणित, देख लिया जो एकदम जैसा पढ़ाया गया उसी अनुरूप पेपर में आया, बताइए ये आप लोग बोलिए। ठीक है, एक वृत्त में 120 अंश के खंड का क्षेत्रफल कितना है? 66/7 दे दिया गया वर्ग सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास क्या होगा? देखो हमने एक वृत्त बना दिया और क्या बोल दिया, इसके अंतर्गत क्या है? 120 कोण कितना दे दिया? 120। ठीक है, खंड, तो वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया गया है और यही पूछा इसका क्षेत्रफल दिया गया, खंड का क्षेत्रफल। और पूछा क्या कि वृत्त का व्यास क्या होगा? जब भी कभी वृत्त के क्षेत्रफल की बात आए तो आप पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 बताया करो, जिससे सारे वृत्त को कवर कर लिया। ठीक है, एक पढ़ने से सब कुछ कवर हो गया, क्यों? क्योंकि अर्धवृत्त भी इसी में आ गया, ये भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, ये आप बनाइएगा, ये वृत्त का क्षेत्रफल। अब थीटा की वैल्यू क्या, पाई की वैल्यू पर रख दो 22/7, आर स्क्वायर यहाँ पर आर ही रखे थे, और थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा? 120 अंश, तो 120 और बटे में कितना कर देंगे? 360। और इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू बराबर कितना दी गई है? तो यही वैल्यू दे दी गई 66/7। क्या लिख देंगे? 66/7। देखिए यहाँ से हम कुछ काटने जा रहे हैं, ये इससे कटेगा तो 3 हो जाएगा, और 22 से इसको काटो तो 22 × 66, और 7 से इसको काट दो, ये 3 जैसे इधर जाएगा 3 त्रिक का क्या बनेगा? 9। आर स्क्वायर की वैल्यू 9, तो आर बराबर 3। अगर त्रिज्या 3 है तो आपको पता है डायमीटर त्रिज्या का 2 गुना होता है 6 सेंटीमीटर। लगा दो इसका राइट आंसर, कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? भैया शुक्रवार को पढ़ाया, रविवार को पेपर में आया। चाहे विकर्ण को दुगुना कहे, चाहे भुजा को दुगुना कहे, चाहे परिमाप को दुगुना कहे, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 गुना का है तो 4 गुना। नोट भी लिखवाया था, अगर n गुना है तो उसका क्षेत्रफल n स्क्वायर गुना होगा, तो 2 गुना कह रहा है तो कितना होगा? 4 गुना। सीधे चले आओ, यही पर आओ और उत्तर ले लो अपना। अगले प्रश्न की तरफ चलो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? विनय एक घड़ी, सेम वही क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस का वीडियो देखिए, पहला प्रॉफिट लॉस का पार्ट 1 प्लेलिस्ट में जाके आप देखिएगा, तुरंत आपको यही क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ विनय एक घड़ी लिखा हुआ है, वहाँ हमने लिखा था किसी वस्तु को, वस्तु मतलब घड़ी, यहाँ एक वस्तु है और यही लिखा है 75 रुपये में बेचा जाता है। सेम अंक फंस गया बाबू, अब इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? तो एक्सीड आपको वो चीज दे रहा है जिससे आपका सिलेक्शन हो, एक्सीड आपको वो चीज दे रहा है जिससे आप इधर उधर भटको ना, आपके घर तक जाके एक्सीड आपको चीजें दे रहा है, अब इससे बेहतर आपको क्या मिल सकता है? ठीक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने मित्रों को बुलाइए और इस क्वेश्चन को देखिए, इसका आंसर आप लोग खुद बताइए, क्योंकि मैंने इसको पढ़ाया है, ये आपके कॉपी में लगा हुआ है, सीधा सा आपका सेम अंक 75 पढ़ाया तो मैंने हर टाइप के क्वेश्चन, लेकिन यहाँ अंक की बात हो रही है, अंक सेम है भैया। 5 है तो क्या होता है? 50, याद करो 5 है तो क्या होगा? 50, और इसको तोड़ लो 15 × 5 कितना होता है? 75 है कि नहीं? दोनों के बीच का अंतर 10, किससे गुणा कर दो? 10 से 10 × 5 = ₹50। सीधा उत्तर, जाके आप क्या करोगे आज प्लेलिस्ट देखिएगा, फिर आपको अनुमान लगेगा। जो क्लास नहीं किए उनके लिए, जो क्लास किए उनकी तो बात ही अलग है, वो लोग तो बेहतर किए ही होंगे, जो नहीं किए वो लोग जाके देखेंगे प्लेलिस्ट को, ठीक है, फिर उनको यकीन होगा कि यहाँ सब कुछ बेहतर चला। यदि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से कम है, त्रिज्याओं के योग से कम है, तो वह वृत्त क्या होंगे? सब लोग इसका आंसर बताएं। अब मैं कहना चाहता हूं, जितने भी लोग देख रहे हैं, शिक्षक बंधु हों चाहे हमारे भाई बहन परीक्षार्थी हों,
ऐसे क्वेश्चन का आंसर सब लोगों ने गलत लगाया लगातार यूट्यूब पे। इसका आंसर क्या बोला, प्रतिच्छेद करेंगे बाबू, इसका आंसर ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तीनों आंसर इसका सही है। आयोग ने इस प्रश्न को गलत दे दिया था, इस प्रश्न में उसका होना चाहिए कि इसमें वे दोनों वृत्त नहीं होंगे, वे दोनों वृत्त नहीं होंगे, कभी बाह्य स्पर्शी नहीं होंगे। अगर यहां लिखा तो वे दोनों वृत्त नहीं होंगे तब इसका आंसर बी होता। ऐसे कंडीशन में इसका आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं, मैं आपको केवल हवा में उड़ा के बातें नहीं कर रहा हूं, प्रूव करके दिखा रहा हूं। मेरे जितने शिक्षक बंधु हैं हाथ जोड़ के निवेदन है बाबू, गणित को गणित ही रहने दो, काहे इसको मजाक बना रहे हो, सही से पढ़ाओ। अगर नहीं पढ़ाना आता है किताबें खोल लो, एक्सीट के कोचिंग में आके वीडियो देख लो, आपको सब कुछ मिल जाएगा मैथ, फिर जाके आप पढ़ाओ। इतने बड़े प्लेटफार्म में जाके तुम गलत पढ़ा रहे हो, परीक्षार्थी विद्यार्थी बेचारे आप पे विश्वास करते हैं, कम से कम उनके भविष्य के साथ तो मजाक ना करो। तो जितने आपके संपर्क में हैं मैं उन शिक्षक बंधुओं से कहता हूं, ठीक है परीक्षार्थी आप लोग ध्यान दो, मेरे भाई बहन आप लोग ध्यान दो, पहले तो उन शिक्षक से कहो कि एक सीट में आके वीडियो देख लिया करें, ठीक है। अगर एक सीट में आके क्लास नहीं कर सकते शिक्षक बंधु तो वीडियो तो कम से कम देख सकते हैं, वीडियो देख के पढ़ाएं बच्चों को, लेकिन किसी बच्चों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। समझ में आया कि नहीं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं मेरे भाई बहन जहां भी कहीं पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ने की बात नहीं पढ़ा रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं, शिक्षक बंधु की, वो ऐसे प्रश्न को क्यों गलत लगवा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा और उनके पास जरूर तक इस बात को सूचना सूचित कीजिएगा कि इसको जाके सुधार करें, जो लाइव आके तुम 1,00,000 लोगों को दिखा दिए गलत उत्तर लगा दिए उसको सुधार कर लो बाबू, क्योंकि गलती को स्वीकार करने में कुछ नहीं आता, ठीक है। आपको 1,00,000 लोग देखे होंगे, आपको 2,00,000 देखे होंगे और वो बच्चे क्या सोचेंगे, यही लगा के चले आएंगे। इसके तीनों आंसर सही है, देखिए आप लोग खुद समझदार हो, इसके जितने कंडीशन बनते हैं हम वृत्त के बारे में सब कंडीशन दिखा दे रहे बाबू, सारे कंडीशन दिखा दे रहे वृत्त के जितने कंडीशन बनते हैं। एक कंडीशन ये बनता है, एक कंडीशन ये बनता है, दूसरा कंडीशन क्या बनता है देखते जाओ सब लोग, दूसरा कंडीशन क्या बनता है, एक संकेंद्रीय वाला आता है, ये भी एक कंडीशन बनता है। एक कंडीशन क्या बनता है, सारे कंडीशन की बातें के हम चर्चा करेंगे, ये कंडीशन बनता है। एक कंडीशन क्या बनता है, एक कंडीशन ये भी वृत्त के बारे में बनता है। हम आपको वो चीज देते हैं जिससे आप कहीं जाके पढ़ा भी सकते हो, ठीक है। तो ये भी कंडीशन बनता है, एक कंडीशन क्या बनता है, एक कंडीशन ये भी बनता है। मैं ये कंडीशन बन चुका है ना, यहाँ पर बना चुका, मतलब हम आपको सब डिफाइन करके बताएंगे इसमें कौन पास कंडीशन है और कौन फेल कंडीशन है, ये कंडीशन, और उसके बाद एक कंडीशन हमने दूर दूर दिखा दिया। तो सारे कंडीशनों पे चर्चा करेंगे, एक एक करके हम बाहर करेंगे। एक वृत्त के बारे में जब दो वृत्तों के बारे में चर्चा कहे और उनके त्रिज्याओं के बारे में, तो जितने कंडीशन है पहले सबको हमने एक साथ लिया, अब इसमें से हम बाहर करने जा रहे हैं। यदि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से कम हो, त्रिज्याओं के योग से कम, अगर त्रिज्याओं के बराबर होता तब उत्तर ये होता, तब वो एक दूसरे को क्या करते, स्पर्श करते बाहिता, तब उत्तर बी लगाते। लेकिन त्रिज्याओं की योग से कम हुआ यानी ये बाहर चला गया। यहां पर क्या कह रहा है, अगर उनके त्रिज्याओं का जो योग है केंद्रों के बीच की दूरी से कम होता, त्रिज्याओं का योग अगर क्या होता, त्रिज्याओं का योग यहां पर क्या बोला कि उनके बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग से कम है, अगर त्रिज्याओं का योग कम होता है इनके बीच की दूरी से, इनके बीच की दूरी से अगर त्रिज्याओं का योग कम होता है, जैसे यह R1 है ये R2, अगर इनको जोड़ो तो कम हो रहा है ना इनके केंद्रों के बीच की दूरी, तो ये होता है यानी ये भी बाहर हो गया। अब बात करते हैं ये और ये और ये, यहाँ संकेंद्रीय है तो संकेंद्रीय हमको दो केंद्रों के बीच की दूरी दो केंद्र होना चाहिए, तो इसके बारे में भी चर्चा नहीं हो रहा क्योंकि दो केंद्र होना चाहिए। अब बात करते हैं ये देखो ये दो केंद्र हैं, दो वृत्त के ये दो केंद्र हैं, ये दो केंद्र हैं। यहाँ पर देखा जाए अगर इनके बीच की जो दूरी होगी ना, इनके बीच की दूरी इनकी त्रिज्याओं के योग से क्या होगी, कम होगी, यानी ये भी केस सही है। यहाँ पर देखो इनके बीच की जो दूरी होगी इनके त्रिज्याओं के योग से कम, यानी ये भी सही है। इनके बीच की जो दूरी होगी इनके त्रिज्याओं के योग से कम है, यानी ये भी सही है। बाबू अनावृत्त का मतलब एक दूसरे के अंदर, यानी ये भी सही हो गया। और उसके बाद क्या करता, अंतः स्पर्श, यानी ये भी सही हो गया। और प्रतिच्छेद, यानी ये भी सही हो गया। तो ये इसका राइट आंसर हुआ, पूरा डिफाइन कर दिया, पूरा डिफाइन हमने आपको कर दिया। इस वीडियो को आप फैला दीजिए आग की तरह, आग की तरह आग लगा दीजिए पानी में पेट्रोल की तरह, तो आप लोग जितना भी हो सके, और उन टीचरों से कह दो पहले एक्सीट में आके पढ़ लें, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि ज्ञान कहीं से भी लिया जा सकता है।
फिर जाके वो मंच पे जाके पढ़ाएं, क्योंकि वहाँ मंच पे बच्चों को मूर्ख बनाना बंद कर दो, क्योंकि परीक्षार्थी बहुत विश्वास करते हैं, उनके विश्वास को उनको कस्टमर समझना आप लोग बंद कर दो। ये हमारे भाई बहन है, आपका बहन किसी कोचिंग में पढ़े तो उनको ग्राहक बनाओगे? शर्म नहीं आती आप लोग को? पता नहीं कैसे आप पढ़ाते हो। तो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, ये धंधा करना बंद कर दो, शिक्षा को धंधा ना बनाओ, शिक्षा को शिक्षा ही रहने दो। ये मेरा गुस्सा इसलिए निकल रहा है कि तुम लोग गलत जो पढ़ा दियो, ठीक है प्लीज, और गलती को स्वीकार करना ना बुरी बात नहीं होती है। आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, अंक विन्यास में विलुप्त संख्या क्या होगा? तो इसमें कई तरीके से लगा सकते हो, एक तो ऐसे लगा सकते हो, एक दो तीन चार, गिनती गिन लो भैया, सौ तक गिनती सबको आती है, एक दो तीन चार, एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका, और यहाँ पर पाँच दुनी दस, पाँच या पंद्रह, पाँच चौक बीस, ये बन गया। दूसरा तरीका क्या है, एक पंचे पाँच, दो पंचे दस, तीन पचे पंद्रह, चार पंचे बीस, ऐसे भी आ रहा है, यानी यहाँ पर कौन भरा जाएगा, तीन भरा जाएगा। क्लियर हुआ? किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। यदि ए और बी धन पूर्णांक संख्याओं को छः से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः चार कमा पाँच प्राप्त होते, रिमाइंडर थ्योरम, तो उनके वर्गों के योग को छः से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? बाबू ए प्लस बी को छः से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल क्या आ रहा है, शेषफल चार कॉमा पाँच आ रहा है। जब वर्गों का योग कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, शेषफल का योग कर देंगे। तो इनका योग करोगे, चार चौक सोलह, पचहम पच्चीस, पच्चीस और सोलह कितना होता है, इकतालीस, और इसको अगर छः से भाग दोगे तो आप सीधे शेषफल पे चले आइएगा, तो छकाहम छत्तीस, शेष क्या बचा पाँच, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीस पाँच इकतालीस, ठीक यही शेष हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाँच। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि किसी वर्ग की भुजा को 10% की वृद्धि कर दिया जाए, बाबू कितना आसान क्वेश्चन पढ़ाया वो क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग की भुजा को 10% वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो इसको करने का दो तरीका हमने बताया था, एक तो 10+10 और +10 × 10/100, ये भी एक तरीका है, कितना आ जाएगा, 10, 10, 20 और 1, 21%। दूसरा तरीका क्या था, 10% की वृद्धि, 10% वृद्धि मतलब 1/10, यानी ये 10 तो ये 11, और क्षेत्रफल कह रहा था 2 × 10 = 11, 10 × 2 = 100, 11 × 1 = 121, कितना ज़्यादा है, 21%, यही आपका उत्तर, राइट आंसर। क्लियर हुआ? किसी को यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मोहन की 5 वर्ष पूर्व उम्र तथा 9 वर्ष बाद उम्र का गुणनफल, भैया यहाँ मोहन है, मोहन को हमने उम्र मान लिया वर्तमान, ये वर्तमान उम्र हमने माना, वर्तमान उम्र कितना मान लिया एक्स, मोहन की 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व कितना होगा, तो जाहिर सी बात है एक्स माइनस पाँच, वर्तमान से 5 कम कर दो, और 9 वर्ष बाद कह रहा है तो यक्स प्लस कितना कर दोगे, 9, ये द्विघात समीकरण बन गया, और इनका गुणनफल बराबर कितना है, 15, इनका गुणनफल बराबर कितना है, 15। तब मोहन की उम्र क्या रहा है, चाहो तो इसको ऑप्शन से लगा लो, आपका उत्तर आ जाए। अब बात आई कि सर ऑप्शन से हम लोग कैसे लगाएं, वर्तमान यक्स की वैल्यू पुट करके आप लोग लगा सकते हो, एक्स की वैल्यू अगर पुट करो तो यहाँ पर क्या बोला है, मोहन की 5 वर्ष पूर्व की उम्र, ठीक है, तथा 9 वर्ष बाद की उम्र का गुणनफल कितना बोला है, 15 है, तो मोहन की वर्तमान उम्र क्या होगा, वर्तमान उम्र हमने यक्स माना, तो 5 वर्ष पूर्व में यानी एक्स माइनस फाइव, और 9 वर्ष बाद का मतलब एक्स प्लस नाइन, ये हो जाएगा 15। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, द्विघात समीकरण बना सकते हो, विकल्प से लगाना चाहो तो देखो, अगर विकल्प से लगाओगे तो यक्स की वैल्यू अगर हम 4 रख दें तो यहाँ माइनस आ जाएगा जो कि नहीं बनेगा, 5 रख के देखोगे तो 0 हो जाएगा जो कि नहीं बनेगा, हम 7 रख के देखें यहाँ पर 7, तो 7 रख के अगर देखोगे तो 7 में से 5 जाएगा 2, और यहाँ 7 और 9 = 16 जो कि नहीं बनेगा, जैसे 6 रखोगे यक्स की वैल्यू, ये 6 तो 6 में से 5 जाएगा 1, और 6 यहाँ यक्स की वैल्यू रखो तो 6 और 9 कितना होता है, 15, 6 रखोगे 6 में से 5 जाएगा 1, और 6 9 15, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 15 1 = 15 बन गया, यानी यक्स की वैल्यू क्या निकल के आया, 6, इसका राइट आंसर डी। देखो द्विघात समीकरण बना लेकिन हम लोग ऑप्शन पे जाके उत्तर निकाले, गणित कितना आसान है देख लो आप लोग, ठीक है आपके सामने है, किसी और को मत बताना, यहां पर देखिए कि गणित आसान होता है, तो यहां पर क्या कर देंगे, इसका मान क्या होगा, इसका मान देखो तो बहुत आसान है, 0.00032, और पावर जो लिखा हुआ 0.6, 0.6 को हम लोग क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, जीरो लगाएंगे, 2 × 6 × 2 × 5 = 10, यानी इसको 3/5 लिख सकते हैं, 3/5 बोलिए आप लोग, यानी यहां पर देखो ये घातांक है और ये करड़ी, कोई पूछे इस करड़ी की घात कितनी, तुरंत 5 बोलिएगा, कोई पूछे इसका घातांक कितना, 3 बोलिएगा, घातांक और करड़ी में अंतर होता है।
होता है। अब जब आपको कर्णी की घात हमने देखा 5, यानी 5 का पेयर बनेगा, तो इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 0.2 की पावर 5, और उसके बाद इसको हम सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, 3 की पावर 5। ये भैया इससे कट जाएगा 0.2 की पावर 3, और इसको लिखना चाहें तो क्या लिखते हैं, 0.2 × 0.2 × 0.2, 2 × 4 × 8, 8 लिख दो, 3 अंक के बाद 1, 2, 3, तो 3 अंक के बाद 10 लगाने के लिए ऐसे आप लगा दीजिएगा, यही आपका उत्तर हो गया। कौन सा ऑप्शन 3 अंक के बाद 10 कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब आप लोग कुछ लोग कहेंगे यहूं तो 3 अंक के बाद है बाबू, इधर 0 से कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है, इधर 0 से कोई मतलब नहीं रह जाता। अगला नंबर देखिए, यदि संख्या इतना इतना का योग इतना है, तभी इसका महत्तम मान क्या होगा, संभव यानी बड़ा मान निकालना, 5x9 3 2 7 2 y 8, और इन सबका योग कितना है, तो 1 1 1 4। देखो बाबू क्या करना है, कह रहा है इसका महत्तम मान, और x और y जब एक साथ आ जाएं तो एक को बहुत बड़ा दिखाना है तो दूसरे को बहुत छोटा कर दो, ठीक है। अगर यहाँ पर ये लाइन है, ये लाइन देखो, तो ये लाइन अभी देखने में बहुत बड़ा नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर यही लाइन हम क्या कर दें, इस लाइन को अगर हम छोटा कर दें, तो अब दिख रहा है कि ये कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा है, ये वाली लाइन, सॉरी कहाँ चला गया, ये आपका, ये देखिए ये लाइन हमारा जैसे पहले था ऐसे तो बहुत बड़ा नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर इसको इतना बड़ा, इसको इतना, तो इसके अकॉर्डिंग ये कितना बड़ा हो गया, बहुत बड़ा, यानी इसको पूरी तरीके से गायब ही कर दें, यानी वाई की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो यक्स अपने यहाँ खूब ज़्यादा हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, कोई नहीं रहेगा तो अपने आप में तो राजा रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए इसको जोड़ लीजिए, तो इसको जब जोड़ोगे तो 8 3 24 4 हो गया, हासिल कितना आया, 2 2 2 4, क्या रख दें x की वैल्यू कि यहाँ 1 आ जाए, अगर x की वैल्यू हम 7 रखें तो 7 4 11, 1 आ गया, 1 हासिल आया 5, और जो 5 10, और 1 हासिल 11, यानी x की वैल्यू क्या हो गई, 7, राइट आंसर। अधिकतम महत्तम संभव मान बोला तो y को 0 रख देना, और फिर उसके बाद x की वैल्यू पुट करके देखना कि यहाँ पर 1 भी आए, ठीक है, उसके बाद हासिल करके इधर का भी चीज समान आए। आइए अगली चीज पे हम चलते हैं, चर्चा करते हैं, परिमेय संख्या। भैया परिमेय संख्या भी आया, जो हमने आपको दिखाया है सब चीज, सभी कुछ का नियम पढ़ाया बाबू, ठीक है, 0 बटे -5 संख्या से बड़ी परिमेय संख्या क्या होगी, 0 बटे -5। अब आप बताओ 0 बटे -5 को हम लोग क्या लिखते हैं, 0, और 0 से बड़ी परिमेय संख्या पॉजिटिव होनी चाहिए, क्या ये पॉजिटिव जाएगा, नहीं, क्या ये पॉजिटिव जाएगा, नहीं, क्या ये पॉजिटिव जाएगा, नहीं, क्या ये पॉजिटिव जाएगा, हाँ, क्यों, माइनस माइनस कट गया प्लस आ गया, ये सीखो आप। आइए, दो संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल 336, उनके बीच का अंतर 10, तो वो संख्याएं कौन सी होगी, बाबू अंतर हर जगह देखो क्या आ रहा, 10 10 10 10, यदि कोई भी उत्तर हो सकता है, लेकिन गुणनफल क्या होना चाहिए, 336। आपको पता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी 10 × 20 क्या पाओगे, बोलिए 10 × 20 नहीं पाओगे, इन दोनों का गुणनफल यहां नहीं हो रहा है। अब आप देखिए 336, आपको पता है इसको बिना पेन चलाए कैसे उत्तर निकालोगे, अगर एक का मान 20, देखो 20 विषयम कितना होता है, 400 यानी 400 जो है इससे ज्यादा, यानी अगर एक का मान 20 आया तो दूसरे का मान 20 से कम होगा, यानी एक 20 से ज्यादा तो दूसरा 20 से कम, कौन, एक 20 से ज्यादा दूसरा 20 से कम, देखो यही है, ये 20 से ज्यादा तो ये 20 से कम है कि नहीं है, ये दोनों 20 से आगे निकल गया, हो ही नहीं सकता, ये दोनों 20 से आगे निकल गया, हो ही नहीं सकते। देखो बिना गुणा किए, बिना उसको छुए सब कुछ मंजूर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, बिना किसी के पास जाए उससे हम लोगों ने क्या कहलवा लिया, 1। तुम लोग बहुत समझदार हो, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा, करके देख सकते हो, हमने बिना गुणा किया निकाल लिया, ठीक है, यही तरीका आप लोग सीखिएगा। क्लियर हुआ, किसी को कोई दिक्कत, आज हम आप लोग का कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कमेंट बाद में पढ़ लेंगे बाबू, क्योंकि मैं किसी का कमेंट देख नहीं पा रहा हूं, ठीक है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, इसलिए हम लगातार आपके प्रश्नों को हल करा रहे हैं। तो किस संख्या से भाज्य होगा, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखो किस संख्या से भाज्य होगा, तो ऐसे अगर देखा जाए तो यहां से तो पता लगा नहीं सकते, जब तक कि किसी को पावर को हम लोग बाहर नहीं निकालेंगे, ठीक है, तो 4 की पावर कितना लिख दें, 61, 4 की पावर कितना था, जो पावर उसी को लिख दो, 4 की पावर 61, क्या बचेगा, 4 की पावर
पावर 0, 4 की पावर 1, भाई कॉमन हुआ तो 0 तो बचेगा, यहाँ 1, प्लस 4 की पावर 2, प्लस 4 की पावर 3, प्लस 4 की पावर 4, कितने पद थे, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 काम हो गया। 4 की पावर 61, इसका देखिए क्या करेंगे, 4 की पावर 0, कोई संख्या अगर उसकी पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 होती है, 1, 4 की पावर 1 का मतलब 4, 4 की पावर 2 का मतलब 16, यहाँ 64 और यहाँ 256। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग जोड़ेंगे, तो 64 और 16 80 और 5 85, इसमें हम 85 जोड़ते हैं तो 4 की पावर 61 गुणे कितना हो जाएगा, अगर 85 यहीं पर जोड़ लो, 6 5 11 8 5 13 और 1 14, और उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, ये हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 341। भैया ये किससे कट रहा है, देखने से पता चल रहा है कि ये 11 से कट रहा है, आपका उत्तर आ गया है कि नहीं, 3 1 4 और 4 में से 4 कट जाएगा, क्लियर हुआ। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 3:57 पे, यानी 3:57 ये लिखा हुआ, पीएम दिया गया है, पीएम दोपहर 12 बजे के बाद के समय को पीएम कहते हैं, पीएम से 5:58 पहले के बारे में चर्चा कर रहा, तो 5:58 पहले जब जाएंगे तो एएम में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, एएम में जाएंगे, बाबू कहीं यहाँ पीएम दिखाई दे तो उसको बाहर कर दो, ये बाहर हो गया, चला गया, ये चला गया, यानी इन तीनों में से कोई उत्तर हो सकता है। अगर 3 का मतलब क्या हुआ, 3 का मतलब अगर देखा जाए रेलवे स्टेशन में 24 घंटा होता है, तो 12 3 15 हुआ ना, यानी 15 घंटा, भी हम इस 58 के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, 12 3 15 में से अगर हम क्या करेंगे 5 घंटा निकाल दें, 15 में से अगर 5 निकालोगे तो 10 का मतलब कि सुबह के 10 बजे, यानी 10 बजे के आसपास कोई आंसर दे रहा है, भैया यही उत्तर हो गया, कुछ नहीं किया हमने, जोड़ना मुझे नहीं आता, गुणा करना मुझे नहीं आता, घटाना मुझे नहीं आता, लेकिन यूपी टेट का सवाल लगाना हम लोगों को आता है, एक एग्जाम्पल दिया गया, देखो ऐसा हुआ कि नहीं, ठीक है, वैसे हमको सब कुछ, हम लोगों को तो सब कुछ आता है ना, ठीक, तो आइए चलते हैं हम लोग, बिंदास पढ़िए, गणित मस्त होके पढ़िए, आप भी पढ़िए, और आपके संपर्क में जो इधर उधर कहीं पढ़ा रहे हैं उनसे भी कहो वो भी आके यहाँ पढ़ लें, फिर जाके पढ़ाएं, अच्छे से पढ़ाएंगे बाबू, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफार्म है जो सबका साथ सबके विकास के बारे में बात करता है, सबको एक साथ लाने की बात करता है, ठीक है, सभी को बराबरी पे लाने की बात करता है, समझ में आए कि नहीं, सभी को सही तरीका सिखाता है। एक प्रश्न आपने बताओ यूपी टेट के 30 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन आप सही नहीं करवा सकते हो गणित के, और बन गए टीचर, क्या मतलब है, ठीक है, समझ में आए कि नहीं, मैं आपके बीच में इसी मंच से बोल रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों के अपने परिवार के बीच में बोल रहा हूँ, आप लोग जितने भी आपके संपर्क में सबको वीडियो भेजिएगा, और जितने भी लोग हैं सबसे कहिएगा सब लोग यहाँ पर आएँ और वीडियो को देखें और सबको बुला के लाएं, 100% हम लोग का क्रेश कोर्स बहुत बेहतरीन चलेगा दोस्तों, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, बस आप लोग लेकर आइए अपने संपर्क में। सर देखिए सर कुछ कटा है भैया, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आइए, हम लोग यूपी टेट का क्रेश कोर्स ना इतना बेहतरीन तरीके से आपको दे देंगे, कोई कहीं भी पढ़ता हो उसको लेकर आइए, और उन गुरुजी से भी कह दो कि आके एक बार यहां पढ़ ले तब पढ़ाएं, क्योंकि ज्ञान यहां ले लेंगे तब पढ़ाएंगे तो अच्छा पढ़ाएंगे। 30 क्वेश्चन मैं सही से नहीं सॉल्व कर पाया, 2 लाख बच्चे तुमको देख डाले, क्या मतलब है ऐसे, जितने भी लोग गलत पढ़ाए सर्च के वहां कमेंट करके बोलिएगा, सही सर थोड़ा कमेंट देखना था, बहुत ही अच्छा। आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, तो इस प्रश्न को देखते हैं, लगाते हैं, तो यहां पर क्या करेंगे, नीचे दिए गए पाई चार्ट में एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों में एक महीने के खर्च का विवरण, एक खर्च का विवरण, यदि परिवार की कुल आय ₹35,000 है तो ईंधन तथा भोजन का कुल खर्च, देखो कितना अच्छा पाई चार्ट का क्वेश्चन आया, ईंधन यहां पर और भोजन यहां पर, 48 और 10 कितना होता है 58, 58% निकालना है बाबू, तो जब प्रतिशत हटता है बटे में 100 लगता है, ठीक है, कितने का निकालना है 35,000 का, 35,000 का 58%, बताओ इतना आसान क्वेश्चन आप लोगों के लिए एकदम हलवा था गणित ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के लिए हिंदी भी हलवा था, आप लोगों के लिए गणित भी हलवा हुआ, तो इसी तरीके से अगर आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को सब कुछ हलवा ही यहाँ मिलेगा, सब के सब करके आओगे, क्योंकि जो यहाँ बच्चा पढ़ लेता है उसको आसान ही लगता है,
समझ में आए, सब आसान लगता है। वो फिर पेपर देगा, फिर कहेगा एकदम हलवा था, ठीक है। तो देखिए अब इसको गुणा करके आप लोग उत्तर निकालिए। तो इसको जब गुणा करोगे बाबू तो कितना निकल के आएगा, देखो 8 × 5 = 40, यानी लास्ट में 2 जीरो होगा। लास्ट में 2 जीरो कहाँ, यहाँ 3 जीरो बाहर करो तुरंत, यहाँ 4 जीरो बाहर करो, इन दोनों में से उत्तर। अब देखिए यहाँ पर अगर साल करोगे इसको तो कितना जाएगा, 203। तो ये सब नियम जानो गुणा करने का, बहुत स्पीड से निकालो। आराम से पढ़ाए, भागे ना, खत्म होने वाला था। चलिए आइए देखिए कैलेंडर के क्वेश्चन, कितना मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। यदि आज 1 अप्रैल है, दिन बुधवार है, अभी ये अधिवर्ष है, अधिवर्ष को लीप ईयर बोलते हैं। कैलेंडर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नॉर्मल ईयर, एक होता है लीप ईयर, सामान्य वर्ष और अधिवर्ष, ठीक है। एक में 365 दिन होते हैं जिसको सामान्य वर्ष बोलते हैं, और एक में अधिवर्ष जो होता है लीप ईयर, इसमें 366 दिन होते हैं। सामान्य वर्ष में क्या होता है, 52 सप्ताह 1 विषम दिन। बाबू कैलेंडर मैथ का भी पोर्शन है, इसलिए मुझे थोड़ा सा कैलेंडर के बारे में भी नॉलेज है, समझ में आया कि नहीं। और मैथ की रानी रीजनिंग है तो कैलेंडर चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, जो अधिवर्ष है इसमें 300 कितना होते हैं, 366 दिन होते हैं, लीप ईयर है भैया, 366 दिन, 52 सप्ताह 2 विषम दिन। इसने क्या बोला, यदि आज 1 अप्रैल है, दिन बुधवार, कुछ भी मान लो भैया, गणित है, आज 1 अप्रैल मान लो, आपका मन कह रहा है 1 अप्रैल मान लो, आप अगर कहते हैं 28 नवंबर तो हम 28 नवंबर मानते। तो क्या बोला, यदि आज 1 अप्रैल है और दिन कितना बोला, बुधवार, तो मान लो भैया गणित है, ठीक है, दिन बुधवार कितना है, 366 दिन, आपको पता है 366 दिन होता है। आज से 3 वर्ष पश्चात सप्ताह का कौन सा दिन होगा, आज से 3 वर्ष बाद पश्चात मतलब बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। बाबू आपको ये पता है, जब आप लीप ईयर से सामान्य वर्ष में जाते हो, जैसे 1 जनवरी 2000 को अगर बुधवार था तो 1 जनवरी 2001 को क्या हो जाएगा, 2 की वृद्धि हो जाएगा, यानी बृहस्पति के बाद शुक्र आता, शुक्रवार हो जाएगा। लेकिन यहां पर जब बात हुई तो अप्रैल आया, जो परिवर्तन होता है ना, फरवरी पूरा कलाकारी करता है, क्योंकि ये कहावत है, कबीर दास जी का एक दोहा है, अप्रैल नवंबर जानिए कि जून सितंबर 30, 1 फरवरी छोड़ के बकिया सब 31, ये कबीर दास जी का दोहा है, ठीक है। तो इसको तैयार रखना, यानी ये जो फरवरी था वो फरवरी बीत चुका है, तो जब फरवरी बीत चुका तो कुछ करने वाला अब नहीं है, यानी अब ये जो लीप ईयर था, जो अधिवर्ष था, ये वो परिवर्तन नहीं ला पाएगा जो 1 जनवरी को लाता, जो 1 फरवरी को लाता, क्योंकि जो फरवरी होता है लीप ईयर में 29 की होती है और नॉर्मल ईयर में 28 की होती है। बात समझ में आया, यानी हम लोग क्या करेंगे, 1 अप्रैल, यानी इसको हम सामान्य वर्ष के तरीके से बढ़ा पाएंगे, तो 1 अप्रैल, ठीक, हम कोई साल मान लेंगे, यानी 1 साल बाद जब आएगा तो जो बुधवार हो किसमें बदल जाएगा, गुरुवार, या इसी को हम लोग बृहस्पतिवार कहेंगे। फिर 1 साल बाद जब 1 अप्रैल आएगा बाबू, तब क्या होगा, 1 की ही वृद्धि होगी और वो शुक्रवार बन जाएगा। फिर 1 साल बाद जब 1 अप्रैल आएगा तो क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। यानी हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने क्या देखा कि जो 3 वर्ष बाद जो आया 1, 2, 3, वो दिन क्या होगा, वो दिन होगा शनिवार। अगर यही कहता कि यदि आज 1 जनवरी है, दिन बुधवार है, ये अधिवर्ष है, आज से 3 वर्ष पश्चात सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तब इसका उत्तर होता रविवार, क्योंकि तब काम करता फरवरी, यहाँ पर काम फरवरी नहीं। बात सबको समझ में आया, किसी को कोई समस्या, बोलिए आप लोग, सभी लोग बताएं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117, दिए गए न्यून कोण के पूरक व सम पूरक कोणों का अंतर क्या होगा, दिए गए न्यून कोणों का पूरक व सम कोणों का अंतर क्या होगा। आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दिए ज्यादा से ज्यादा लोगों में, ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग। तो दिए गए न्यून कोण के पूरक व सम पूरक कोणों का अंतर क्या होगा, तो इसको लगाने के लिए सबसे आसान तरीका, दिए गए न्यून कोण का पूरक व सम पूरक कोणों का अंतर। यहां पर देखो, आपको पता है कि जब दो कोणों का योग 90 अंश हो तो उसे कोट पूरक कहते हैं, और जब दो कोणों का योग क्या हो 180 अंश तो उसे समपूरक कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे, यहां पर अगर एक की वैल्यू हमने यक्ष ले लिया तो दूसरा क्या आएगा, इसका कोण पूरक 90 - x आएगा,
और संपूरक में अगर एक की वैल्यू हमने यक्स ले लिया तो इसका संपूरक क्या होगा, 180 माइनस यक्स होगा। और इन दोनों के बीच का अगर अंतर देखा जाए तो इन दोनों के बीच का जो गैप होगा बाबू वो 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री का कैसे होगा, ज़्यादा से एक हम लोग कम को माइनस करेंगे, तो इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो 180 माइनस यक्स, और क्या करेंगे माइनस का चिन्ह लगाएंगे 90 माइनस यक्स, और इसको सॉल्व करेंगे 180 माइनस एक्स और माइनस का 90 माइनस माइनस प्लस यक्स, ये इससे कट जाएगा 90 जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, कितने समय में 16 सही 2/3, ये क्या है 16/2/3 लिखा है, 16 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर दर से साधारण ब्याज मूलधन का 5/6 होगा। अगर मेरा मूलधन पी है तो जो साधारण ब्याज होगा वो 5/6 होगा। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर, दर दिया गया 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 को 50/3 लिखा जा सकता है, तो 50/3, और समय हमने टी बता दिया, बटे में हमने क्या लिख दिया, 100 लिख दिया। इस पी से इस पी को हमने काट दिया, इस 50 से हमने इसको काटा, 2 हुआ। यहाँ पर क्या लिखा है 5/6, और बराबर कितना आया यहाँ पर, तो टी बटे 3 नीचे आएगा, 3 × 2 = 6, 6 से 6 कट गया, टी बराबर 5 वर्ष आ गया। किसी को यहाँ तक कोई समस्या, बताइए आप लोग, सब लोग बताएं, यदवंशी अभय जी, सालू यादव, रोशनी वर्मा जी, रंजना वर्मा जी, ठीक है सभी लोग बताएं, रिया मिश्रा, सब लोग बताएं। आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, यूपी टेट का निःशुल्क बैच शुरू होने वाला दोस्तों, पूरा धमाल मचा देना है पूरे प्रयागराज में। एक खुशखबरी और आप लोगों को हम देंगे, ठीक है, बहुत बेहतरीन खुशखबरी, आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग ऑफलाइन क्लास तो करो ही करो, साथ में एक दिन बाद उसका वीडियो भी हम आपको देंगे, जिससे डबल फायदा होगा, ऐप पे वीडियो मिलेगा, उस ऐप को निशुल्क आप लोगों को वीडियो मिलेगा, उस ऐप को आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रचार कर सकते हो, उस ऐप के द्वारा डाउनलोड करोगे, एक्सीड का ऐप है, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए ऐप को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। और फिर भी कोई समस्या हो तो आपका एक सीट प्रयागराज स्वागत करता है, ठीक है, पीडीएफ भी आपको ऐप पे दिया जाएगा, आप यहाँ आके आप यहाँ से सारे समस्या का समाधान आपको प्रयागराज एक सीट में मिलेगा, ठीक है। जितने भी और उन अध्यापक लोगों को भी जरूर से बोलिएगा जो गलत पढ़ा रहे हैं बाबू, उनको भी साथ में लेने आइए सर, एक सीट में पढ़ लीजिए तब पढ़ाना, ठीक है, वो बुरा नहीं मानेंगे वो अगर अच्छे टीचर होंगे तो, और भाई अच्छे टीचर नहीं होंगे तो बुरा मान जाएंगे, है कि नहीं है, तो प्यार से उनसे कहना, और वो कहेंगे हम नहीं जाएंगे पढ़ने तो ये वीडियो भेज देना, काहे गलत लगा दिए, काहे गलत सलूशन दे दिए, ठीक है, समझ में आए कि नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं, अब आप लोगों का 2 क्वेश्चन है, यानी इसके बाद ये देखो सेम क्वेश्चन आप जाके प्रॉफिट लॉस का पलटिए, हमने क्या बोला था 10 रुपये में 11 की दर से खरीदता है और 11 रुपये में 10 की दर से बेचता है, इसने क्या बोला 10 रुपये में दर्जन बोल दिया भाई, 11 का स्थान पे 12, एक दर्जन बराबर 12। सबसे पहले मार्केट में जाओगे वस्तु को पसंद करोगे, फिर उसके बाद क्या होता है मूल्य, फिर उसके बाद क्या होता है सीपी, फिर उसके बाद एसपी, सीपी का मतलब लागत मूल्य, कास्ट प्राइस, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। सबसे पहले आपको चीजों को पसंद करना है, तो वस्तु को पसंद करो फिर मूल्य पूछा जाता है, कुछ लोग फोन मिला के पहले मूल्य पूछते हैं, पहले आप लोग एक सीट में आइए, ठीक है, यहाँ का क्लास देखिए अच्छे से पढ़िए, और उसके बाद आप लोग क्या कीजिए प्रचार खूब कीजिए, जितना भी हो सके प्रचार कीजिए निःशुल्क तरीके से, ठीक है। तो ये देखो हम लोग क्या करेंगे, वस्तु मूल्य सीपीएसपी 10 रुपये में 10 रुपये दर्जन की दर से, यानी 10 रुपये दर्जन की दर से खरीदता है, 10 रुपये में एक दर्जन 12 खरीदता है, और 12 रुपये में 10 केले वो क्या करता है बेच देता है, 12 रुपये में 10 केले बेचता है। भैया देखो तुरंत आपका उत्तर आ जाएगा, जब भी कभी ऊपर से नीचे आते हैं तो गुणा पॉजिटिव रहता है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 12/144, कोई फार्मूला नहीं, 10 × 100, बाद में हमेशा क्या होगा बटे में हमेशा बाद वाली संख्या ही रहती है, जो यहाँ रहेगा यही बटे में हो जाएगा, कोई फार्मूला आपको लगाने की जरूरत नहीं, ये इससे कट गया, 144 से 100 जाएगा तो 44%, यही क्या है आपका राइट आंसर, यानी बी आपका उत्तर आ गया। आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 3/4 से 63 कम है तो वो संख्या क्या होगा,
गणित मान लो भैया वो संख्या क्या मान लो, x मान लो, हमने x माना, x का 30% किसी संख्या के 30% उस संख्या के 3/4 से, x के 3/4 से 63 कम है, 3/4 से ये 63 कम है, अगर हम लोग क्या करेंगे इसमें 63 जोड़ दें तो क्या दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, हो जाएगा ना, इसको इधर लेकर आओगे इक्वल टू के, तो 3x/4 माइनस में क्या लिखेंगे 30/100x और बराबर जो बचा है कितना 63, इसको लिख दीजिए, इस जीरो से इसको काट दो, 4 और 10 का लासा कितना आएगा 20, 4 × 5 = 20, 5 × 3 = 15x, 10 × 2 = 20 माइनस में 3 × 2 = 6x और बराबर कितना जाएगा 63, 15 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 9, तो लिखेंगे 9x/20 और बराबर 63, 9 × 63 और उसके बाद कितना आ जाएगा आपका x बराबर हो जाएगा 20 × 7 कितना होगा 140, राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा ए ऑप्शन। तो आप लोग आज के सलूशन को बताइए, पूरा सलूशन आपको दिया गया ना, सोनम कुमारी जी सर यूट्यूब पे सर क्लास चलेगा ना, आपको एक ऐप डाउनलोड करना रहेगा, ठीक है, उस ऐप के माध्यम से आपको मिलेगा, वो डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, पहले तो आप लोग कोशिश कीजिए कि कल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, ठीक है, आप भी आइए, सबको लेकर आइए, पूरा एकदम जगह ना रहे एक सीट में बैठने की, पूरा टूट पड़िए और उन टीचर के पास मैसेज कर देना चलो चलते हैं पढ़ने, अब एक बार वो भी पढ़ ले जिससे सही पढ़ाएं, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा इसको शेयर कीजिए, अपने स्टेटस में लगाइए, जो भाई बहन नहीं आ पाए लाइव सो रहे हैं उनके पास भी वीडियो को सलूशन भेजिएगा कि ये देखो यार वो लोग तो गलत सलूशन दिए, यहाँ एकदम सही सलूशन दिया गया, और उनको समझाना कि एक्सीड में आइए उनका स्वागत है, अगर उनका कोर्स वहाँ अधूरा है वो बुलाना चाहते हैं तो भी आप वहाँ छोड़ के चले आओ, कम से कम समय तो आपका बच जाएगा, ठीक है, समझ में आए कि नहीं, अगर वहाँ को छोड़ के आप आइए यहाँ सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ दिया जाएगा, सारे सब्जेक्ट बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे, अपने अपने सब्जेक्ट के धुरंधर अध्यापक अनुभवी अध्यापक ही आपको देंगे, ठीक है। तो जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। सर आपका क्लास क्या करें, में CDP के सर आ चुके हैं, अंकित सर बहुत बेहतरीन तरीके से पेपर के बारे में विधिवत बताएंगे, एकदम चारों ऑप्शन पे चर्चा करेंगे, तो आप लोग आइए और CDP के भी प्रश्नों को हल देखिए, ठीक है। देवव्रत पांडे, प्रीति तिवारी, सालू यादव जी, सब लोग वीडियो को स्टेटस में लगा दो बेटा, शेयर कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग, यदवंशी अभय जी आप लोग भी शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ठीक है, जितना भी हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। जैन मेरे चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग, मैं अंकित सिंह एक बार फिर से लाइव आ चुका हूं आप लोगों के बीच में CDP का सेशन लेकर के। और जी हां, देखो खुशी वाली कोई बात नहीं है, लेकिन ठीक है, कल सर ने बोला था ना कि जो हो गया अच्छा हुआ, जो नहीं हुआ उससे भी अच्छा हो गया, ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, बस ये देख लो कि जो पेपर कल निरस्त हुआ था क्या क्या प्रश्न आए थे और उन प्रश्नों के जवाब क्या हो सकते थे, बस इसी चीज की हम लोगों को क्या करनी है, कोशिश करनी है, इसके अलावा कोई दूसरा एजेंडा नहीं है क्लास चलाने का, कोई दूसरा एजेंडा नहीं है पब्लिसिटी पाने का, बिल्कुल भी कोई बात हम लोग नहीं करने वाले इन सब चीजों को लेकर के। तो एक बार मैं चाहता हूं कि सभी के सभी मेरे शेयर और शेयरनी एक बार दहाड़ते हुए जरा शेयर कर देंगे सेशन को, और उसके बाद जरा बवाल फूंकते हैं और जरा देखते हैं, ईमानदारी से बताऊंगा कौन कौन से प्रश्न मैंने कराए और कौन कौन से प्रश्न मैंने नहीं कराए, लेकिन जवाब सभी चीजों के मिलेंगे आप लोगों को, ये आंसर की बात है बस। और ध्यान रखिएगा, मैंने कहा था ना, बड़े भाई की बातों पे यकीन किया करें, मैंने कहा था कि ऑनलाइन वाले मेरे शेर और शेरनियां निराश न होवे, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम रखा जाएगा, स्पेशल प्रोग्राम रखा जाएगा। क्या है स्पेशल प्रोग्राम, सेशन के अंत में बताऊंगा जब ये प्रश्न करवा लूंगा, तो एक बार जरा शेयर कर दीजिए, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए क्या खुशखबरी है उसको सेशन के अंत में बताऊंगा। और आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि नई वाली तिथि क्या है आपकी यूपी टेट की, 26 दिसंबर आपकी यूपी टेट की जो है डेट है। मेरे भी सर 30 में 29 थे, बहुत बढ़िया, अमरनाथ भाई, प्रीति तिवारी,
बहुत बढ़िया रीता शर्मा जी, गुड इवनिंग रजनी फुलपुर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो जरा एक बार दोस्त शेयर कर दें, एक बार सभी के सभी दोस्त जरा शेयर कर दीजिए, ठीक है, एक बार शेयर कर देंगे। चलिए देखिए यहां पे ध्यान से जरा, कह रहा थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत है भैया, कितनी बार तो ये सेशन हमने पढ़ाया आप लोगों को, कितनी बार हम लोगों ने पढ़ा था, इसके ऊपर तो थियरी क्लास अभी भी पड़ी हुई है, जाइए सर्च कर लीजिए, मैं तो कुछ बोलूंगा भी नहीं, मेरे शेर रोशनिया इसके बारे में सबूत दे करके बताएंगे, ठीक है, मेरे शेर रोशनिया जी बिल्कुल अभय भाई। 26 दिसंबर जो है आपका, 26 अक्टूबर नहीं, 26/10 आपने लिख दिया है, 26 दिसंबर आपकी जो है डेट है नए वाले पेपर की, ठीक है। तो ध्यान से देखना, सर जी थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया अधिगम का कौन सा नियम नहीं है, टेस्ट सीरीज में भी किया, प्रैक्टिस में भी किया, अंकित सर ने आपके थियरी में भी बताया था कि सर अभिवृत्ति का जो नियम होता है ये थॉर्नडाइक साहब के मुख्य नियम में से नहीं है, मुख्य नियम तीन ही थे, कौन कौन से सर जी, किसका, प्रैक्टिस का नियम यानी अभ्यास का, दूसरा हमने इफेक्टिवनेस बताया था और यानी प्रभाव का नियम, और तीसरा हमने बताया था तत्परता का नियम यानी रेडीनेस का नियम बताया था। तो जी हाँ, मेरे भी सर सीडीपी में 28 सही थे, बहुत बढ़िया सुंदर, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। ये लीजिए आ गए आपके कोलर साहब, कोलर साहब के ऊपर भी परीक्षण किया गया था, कोलर साहब के चिंपैंजी सुल्तान वाले के बारे में हम लोग बातें किए थे। तो भैया कोलर तथा कोफ्का के अनुसार सीखना क्या होता है, सर जी उन लोगों ने इनसाइट थियरी दी थी, अंतर्दृष्टि की थियरी दी थी, सूझ वाली सिद्धांत के ऊपर उन लोगों ने बातें किया था। मिलाते चलिएगा, एक एक प्रश्न मिलाते चलिएगा और मेरे से बताइएगा कि क्या कोई सवाल गलत तरीके से तो नहीं आ गया है। जी बिल्कुल बहुत अच्छे, नहीं बच्चे रंजना जी बिल्कुल नहीं, प्रश्न संख्या दो का सही जवाब है सूझ द्वारा, क्योंकि कोलर साहब और कोफ्का, कोलर का कोफ्का या कोलर का चिंपैंजी, कोलर का बंदर, ठीक है, ये सब कहां थे, सूझ वाले सिद्धांत पे थे, याद करिए मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, मैंने आप लोगों को वहां पर थियरी की क्लास दी थी। सामाजिक निर्माणवाद के जनक, जी हाँ निर्माणवाद पे थियरी मैंने नहीं दी है, ईमानदारी से कोई झूठ नहीं, कोई इसमें जो है इधर उधर की बातें नहीं, आप लोग भी मानेंगे इस बात को, निर्माणवाद के ऊपर मैंने थियरी नहीं दी थी, लेकिन हाँ निर्माणवाद के सवाल हम लोगों के जो 10 मॉक टेस्ट कराए गए थे उनमें आया था। तो क्या होगा इसका सही जवाब, तो सर सामाजिक निर्माणवाद के जो जनक थे वो कौन थे, सर वो व्योगतसी साहब थे, कौन थे, वो थे व्योगतसी साहब, बहुत अच्छे मुकेश, बहुत बढ़िया, स्वागत है सभी लोगों का भाई, शेयर करते रहिएगा, आप लोगों की संख्या, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सहयोग जो बहुत आवश्यक है। और याद रखिएगा सेशन के अंत में मैं बताऊंगा कि आने वाले अगले, आज आपकी कौन सी तिथि, 29 तिथि, यानी सर जी अगले 27 दिन का क्या आपका प्रोग्राम होगा हमारे लिए, उसके ऊपर चर्चा करने वाला हूं मैं, बहुत ही लाजवाब चीज आप लोगों को मिलेगी, लेकिन सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेगी जो हम लोगों के साथ रेगुलर लाइव रहते हैं, और वो भी मैं बता दूं कुछ फ्री मटेरियल आप लोगों के लिए आने वाला है, तो ये बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। सर जी ये भी मेरा सही था, बहुत अच्छे रागिनी। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सा विकास की विशेषता नहीं है, ध्यान दीजिएगा, विकास की विशेषता नहीं है बच्चे, ध्यान से बताइएगा कौन सी विकास की विशेषता नहीं है, क्या संचयी होना विशेषता नहीं है, तो जी नहीं सर, विकास मतलब संचयी, दिशात्मक, विशिष्ट होना, बिल्कुल ये सब विकास की जो है सर क्या है हमारी विशेषताएं हैं, अनियंत्रित और स्वतंत्र, जी नहीं सर, एकदम नियंत्रित तरीके से, एक सतत तरीके से सर ये चल रहा होता है, यानी विकास की विशेषता कौन सी नहीं है, चौथा विकल्प हो जाएगा अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना, बहुत अच्छे, प्रश्न संख्या 4 का सर चौथा विकल्प होगा, बहुत बढ़िया जवाब आप लोगों का आ रहा है, बहुत अच्छे शाबाश। ये भी हम लोगों ने बातें करी थी विकास, वृद्धि और विकास के ऊपर, ये मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया था, हेरिडिटरी जीनियस बुक के कौन लेखक हैं, हेरिडिटरी जीनियस बुक किसने लिखी थी ये मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया था, ठीक है, लेकिन इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा, तो सर हेरिडिटरी जीनियस जो है गाल्टन साहब ने लिखा था, ठीक है, हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक जो है गाल्टन साहब ने लिखा था, ये मैं आप लोगों को पढ़ाना नहीं, मतलब मैंने नहीं पढ़ाया था, आनुवंशिकता दरअसल मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया नहीं था, ठीक है, ये सच्चाई है, इसको स्वीकारने में कोई जो है हर्ज नहीं है, ठीक है, बताइए बच्चे हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक सही लगाया आप लोगों ने कि नहीं लगाया, गाल्टन साहब की ये किताब थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सर संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर कौन सा है भाई,
संज्ञानात्मक कॉग्निटिव में जब आप जाते हैं, कॉग्निटिव में जब आप जाते हैं तो आपके संज्ञानात्मक संप्राप्ति का सबसे निचला स्तर कौन सा होता है, सबसे निचला स्तर कौन सा होता है, तो जल्दी से बताइएगा सबसे निचला स्तर क्या होगा संज्ञानात्मक संप्राप्ति का। आप लोगों ने क्या लगाया है इसका सही जवाब, आप बच्चों ने क्या लगाया है इसका सही जवाब इस प्रश्न का? सर हम पढ़े थे अपने से ही, बहुत अच्छे रागिनी, यही देखिए होना भी चाहिए, यही चीज होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए यही चीज, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए भैया, ठीक है। कुछ चीजों को हम लोग खुद से भी पढ़ते हैं, कुछ चीजों को सीखते हैं, क्योंकि सर ये तैयारी है, तैयारी में जो हम लोगों को क्या करना है सर, तैयारी में हम लोगों को चीजों को सीखना है, अलग तरीके से बात करनी है, ठीक है। हर चीज जो है किताब बोर्ड पे लिख करके तो चीजें नहीं मिल पाती है ना सर, तैयारी का यही तो अर्थ होता है जी। तो चला जाए अगले क्वेश्चन पे, बताइए। चलिए सर जी, संज्ञानात्मक का क्या लगाया आप लोगों ने? सर जी बी लगाया है, बी लगाया है आप सभी बच्चों ने, बी आंसर आप सभी के सभी बच्चे बता रहे हैं कि सर बी आंसर इसका आ रहा है। तो ध्यान रखना है हम लोगों को किस बात का कि सर जी बी होगा या ए होगा, पहला विकल्प या आखिरी विकल्प, बताओ। सर जी ये ब्लूम थियरी है, ये क्या है, ब्लूम थियरी है सर जी, ब्लूम टैक्सोनॉमी है सर जी, इसके ऊपर सवाल हम लोगों ने किया है, बिल्कुल सही जवाब है सर जी, बिल्कुल सही जवाब है, नॉलेज इज द करेक्ट आंसर। चलिए ये रहा आपका अगला सवाल, सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के ऊपर हम लोगों के क्वेश्चन आए थे दोस्त, माइक्रो टीचिंग के ऊपर, मैंने माइक्रो टीचिंग नहीं पढ़ाई थी लेकिन माइक्रो टीचिंग के ऊपर हमारे मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आए थे। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब सूक्ष्म शिक्षण का, किसने किसने, तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, क्या लगाया है, प्रश्न संख्या 7 का जो सही जवाब है वो है पुनः प्रतिपुष्टि, क्या है पुनः प्रतिपुष्टि दोस्त, पुनः, बिल्कुल रोशनी वर्मा, बिल्कुल सही जवाब सर आप बताए थे जी, ब्लूम टैक्सोनॉमी के ऊपर मैंने बातें की थी आपसे। सूक्ष्म शिक्षण का सर क्या है, सूक्ष्म लिखा हुआ है ध्यान रखेंगे, ये सूक्ष्म है ठीक है, ये सूक्ष्म है तो ये थोड़ा इग्नोर करिएगा। सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान क्या है सर जी, तीसरा विकल्प होगा पुनः प्रतिपुष्टि का। अगला प्रश्न आपके सामने, गिलफोर्ड साहब के बारे में तो बातें हम लोगों ने करी ही थी ना भाई साहब, गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन में क्या चीज आवश्यक है, अपसारी चिंतन को हम लोगों ने बहुमुखी बोला था, याद करिए मैंने आप लोगों को गिलफोर्ड साहब के द्वारा जो 7 आप लोगों के तत्व बताए गए थे उनके ऊपर मैंने आप लोगों से बातें करी थी, मैंने बोला था कि बहुमुखी को आप अपसारी बोलते हैं, साथ ही साथ इसको डाइवर्जेंट भी बोलते हैं, मैंने इन सब के ऊपर बातें करी थी आपसे। तो दोस्त जो अपसारी चिंतन में आवश्यकता होती है वो धारा प्रवाह की होती है, विचार प्रवाह की होती है। तो प्रश्न संख्या 8 भी आपके गिलफोर्ड साहब के ऊपर मैंने सेगमेंट लिया था, सेशन लिया था, जरा सेशन को शेयर करते रहिए, आप अपनी तैयारियों को भी आंक लेंगे, आपको ये भी पता चल जाएगा कितने सही कितने गलत हो सकते थे, ठीक है। जो हो गया उसको बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर यकीन रखें कि सर जो पेपर था उसमें हम कितना कर सकते थे और कितना नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो बिल्कुल सही जवाब है सर विचार प्रवाह के ऊपर। ये देखिए मस्तिष्क उद्वेलन दोस्त, मस्तिष्क उद्वेलन के ऊपर सवाल, मैं आप लोगों को बताता हूं ब्रेन स्टॉर्मिंग टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन किया है, अपन लोगों ने मॉक टेस्ट का जब सॉल्यूशन कर रहे थे तो ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड आया था, ब्रेन स्टॉर्मिंग के ऊपर हम लोगों ने बातें की थी, और इस विधि के प्रतिपादक कौन है, तो सर ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि के प्रतिस्थापक जो है प्रतिपादक जो है, ठीक है, किसने प्रतिपादित किया था, सही जवाब है सर जी ऑसबोर्न का, सही जवाब क्या है सर ऑसबोर्न का है, ऑसबोर्न की ये मेथड है हमारी, क्या ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी मस्तिष्क उद्वेलन विधि, मस्तिष्क उद्वेलन विधि किसकी है सर जी ऑसबोर्न की है। आप लोगों ने जो है लास्ट में मुझे यह भी बताना है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, आप लोगों को यह भी बताना पड़ेगा कि कितने प्रश्न आप लोग सही कर सकते थे, ये बात याद रखिएगा भैया, भूलिएगा मत, आप लोगों को यह बताना पड़ेगा मुझसे कि कितने प्रश्न आप लोगों के सही हो रहे थे। देवव्रत भाई, यदुवंशी, अभय, रागिनी, बिल्कुल। अब आप बताइए कि सर प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी सर जी थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट,
थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट टैट के ऊपर कितने सारे प्रश्न हम लोगों ने अपने मॉक टेस्ट में कराए थे, मैं कटिंग भिजवा दूंगा। जिन बच्चों ने देखा है वो तो पता ही पता है, जिन बच्चों को लग रहा है कि सर जी कुछ भी फेंक रहे हैं सब लोग लाइव आकर के, बच्चे हम लोग कटिंग भेज देंगे, या बच्चे जो इस समय लाइव है उनसे पूछिएगा कि क्या टैट के ऊपर थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट के ऊपर सवाल थे या नहीं थे, इस टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने बातें की थी डिस्कशन में या नहीं की थी। और ये टेट जो है आपका, जो आपका टैट है, ये मॉर्गन साहब ने भी किया था और मूरे साहब ने भी किया था। यानी सर जी सही जवाब क्या होगा, एक और दो, दोनों के दोनों जो है क्या होंगे, हमारे सही जवाब बन करके आएंगे। तो बहुत अच्छे, शानदार, दसवें का तीसरा विकल्प आप लोगों ने चुना है, बहुत बढ़िया, शानदार। और दोस्त सबको बता दीजिएगा कि अभी जैसे ही ये आंसर की बता के मैं खत्म करूंगा, आपके लिए एक लाजवाब चीज है, जितने भी हमारे लाइव में बच्चे जुड़ते हैं, जितने भी बच्चे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हम लोगों के जुड़े हुए हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, उन लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया, बहुत ही लाजवाब चीज लेकर के हम लोग आए हैं। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ सीरियस बच्चों के लिए, कोई भी बच्चा हो नहीं। अच्छा ये भी बता दूं, डरो मत, निशुल्क है, पैसा नहीं लिया जाएगा उस बात का भी, लेकिन डरना मत, लास्ट तक इंतजार करो, बस हम लोग आ रहे हैं। सर ये भी बताए थे आप, हम पढ़े थे, बहुत अच्छे। चलिए सर जी, सर्जनात्मक चिंतन, क्रिएटिव थिंकिंग के ऊपर मैंने बात की थी कि नहीं की थी, बता देना कमेंट में। क्रिएटिव थिंकिंग के ऊपर हमने बात की थी कि नहीं की थी, बिल्कुल किया गया था सर। और सर ये जो क्रमांक है, हाँ, इनके ऊपर मैंने बात नहीं की थी, क्यों? क्योंकि भैया उतना समय हमें नहीं मिल पाया था, मैंने हाथ जोड़ करके इस बात के लिए क्षमा भी आप लोगों से मांगा था, ठीक है। तो समझ में आ रहा है चीज, तो ध्यान रखना सर ये सब कुछ एकदम क्रम से दिया हुआ है, चाहे आयोजन हो, चाहे उद्भवन हो, चाहे प्रबोधन हो, चाहे संशोधन हो, ठीक है। तो बस याद रखिएगा कि जो आपकी प्रथम अवस्था होती है वो होती है प्रिपरेशन की, तैयारी की, लेकिन इन लोगों ने आयोजन रखा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आयोजन कर लेंगे। मेरे बाद इंग्लिश वाले सर आएंगे, नितिन सर, ठीक है, तो इंग्लिश में भी आप लोग मिलान कर लीजिएगा। आयोजन इसका सही जवाब है दोस्त, एक बार क्रॉस चेक आप लोग कर लें, बिल्कुल ठीक है, एक बार क्रॉस चेक इसका कर लीजिए। अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। भैया उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, ध्यान से, जरा ध्यान से अपने दिमाग से जरा सोचो और देख करके बताओ कि क्या होगा। सर जी गेस्टाल्टवाद का तो अलग सिद्धांत ही था, गेस्टाल्टवाद का तो सिद्धांत ही अलग था। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत बुलाया जाता था, उद्दीपन का क्या मतलब है, स्टिमुलस। उद्दीपन का क्या मतलब था, स्टिमुलस। अनुक्रिया का क्या मतलब था, एसआर। तुम बता दो जरा कि क्या एसआर थियरी के बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, पढ़ा था सर। क्या नाम था उनका जिनके बारे में पढ़ा था, सर उनका नाम था थॉर्नडाइक। क्या नाम था सर, थॉर्नडाइक नाम था। 12 नंबर का पहला विकल्प आपका सही जवाब बन जाएगा। गुड इवनिंग सूरज भाई, स्वागत है आपका भी। जरा आप लोग शेयर करके दोस्तों को सूचित कर दीजिए, उन लोगों को भी बता दीजिए, ठीक है ठीक है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे, सर जी कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। भाई साहब डिट्टो को क्वेश्चन आपका जो है कॉपी पेस्ट है, डिट्टो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट है। मैं बाकी लोगों के बारे में देखो नहीं जानता, क्योंकि सिलेबस है सर, कहीं से ना कहीं से क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे, ठीक है। लेकिन सर डिट्टो के डिट्टो क्वेश्चन यहां फंसे हुए हैं। आपको भी पता है कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, सेम सवाल, सेम विकल्प, सेम शिक्षक आपको लाइव कैमरे पे पढ़ा करके गया था। व्यक्तिगत कारक भी होते हैं अधिगम को प्रभावित करने में, वातावरणीय भी कारक होते हैं, सामाजिक कारक भी होते हैं। यानी सर पर्सनल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर और सोशल फैक्टर, तीनों फैक्टर के ऊपर हमने आप लोगों से बातें करी थी। जवाब क्या हो जाएगा सर जी, चौथा विकल्प, डी विकल्प इसका सही जवाब हो जाएगा। तीनों के तीनों इसके जो है हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं, हमारे लर्निंग को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, याद कर लीजिए, एकदम लेटेस्ट पॉइंट था। मैंने कहा था कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार के सिद्धांतों पे, बुद्धि का सिद्धांत था, मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत था। मैं अलग से मल्टीपल इंटेलिजेंस का पोस्टर लगा करके क्लास लेकर के गया था, खूब डिटेल में समझा करके आपको गया था कि पहले सात थे, फिर 1998 में आपका प्रकृतिवाद जुड़ा, 2000 में आकर के आपका अस्तित्ववाद जुड़ा, टोटल 9 तत्व बन गए थे। ये तमाम बातें हम लोगों ने सीखी थी। और किसने दिया था इस सिद्धांत को, गार्डनर साहब ने दिया था। मैंने आपसे कहा था ना कि दोस्त कि समय हमारे पास कम है, लेकिन मैं महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके बीच में जरूर रख करके जाऊंगा ताकि आप परीक्षा में अधिकतम फायदा प्राप्त कर सके, ठीक है।
और यही पेपर देख करके इसी बात का गुस्सा आ रहा था कि इतनी सारी मेहनत मेरे और मेरे सारे के सारे शेर और शेरनियों ने की, लेकिन इन गधों की वजह से, इन नलायकों की वजह से, इन गैर जिम्मेदार लोगों की वजह से आज सबका नुकसान हो रहा है। बेवजह यह पेपर एक महीना टल गया, जिससे कि शिक्षक भर्ती के ऊपर भी अब सवालिया निशान खड़े हो जा रहे हैं कि क्या सर वापस से शिक्षक भर्ती आएगी जो आनी चाहिए थी। अब ये तो सर टल के चला जाएगा 26 दिसंबर तक, और उसके बाद तो सर 22 तारीख से शायद आचार संहिता लग रही है, सही 22 तारीख से या 16 तारीख से सर, तो आचार संहिता लग रही है आपकी, तो ये भी एक टेंशन दे करके रखे इन सभी, ये सभी नलायकों ने। अब चाहे सरकार को गाली दो, चाहे अपने बीच पैदा हुए इन जयचंदों को गाली दे दो, जो गरीब बच्चों के भविष्य के साथ, जो मेहनती और पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे स्पीयरमैन, स्पीयरमैन साहब के बारे में हमने आपसे बताया था कि इन लोगों ने दो थियरी दी थी, इन्होंने पहले द्विकारक दी थी, डबल फैक्टर थियरी इन्होंने दी थी, और इनके दो जो नो फैक्टर थे वो जी और एस थे, यानी जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर, यानी सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। मैंने बताया था आपसे एबी डिविलियर्स का एग्जाम्पल दिया था और सानिया मिर्जा का एग्जाम्पल दिया था। फिर उसके बाद इन्होंने कुछ समय के पश्चात बच्चे एक तत्व और बढ़ा दिया था, और त्रितत्व की थियरी भी इन्हीं भाई साहब ने दी थी। फिलहाल सर यहां पे द्विकारक दिख रहा है, 15 का पहला विकल्प क्या हो जाएगा, सही विकल्प बन करके आ जाएगा। इतने सेलेक्टिव टॉपिक्स को हम लोगों ने छांट छांट करके पढ़ाया था, क्योंकि सवाल आप लोगों के क्या होंगे, डायरेक्ट फंसेंगे। प्रोजेक्ट विधि याद करिए, मुझे आज भी याद है मॉक टेस्ट चल रहा था, मेरी टीम में जो इन्विजिलेटर थे उस दौरान मॉक टेस्ट में, उन्होंने कहा कि सर एक बच्ची ऑब्जेक्शन कर रही है, कह रही है कि सर प्रोजेक्ट विधि से संबंधित जो सवाल आए हैं गलत हैं। हमने कहा कि नहीं, मॉक टेस्ट बाकी बच्चे भी चेक करिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। मॉक टेस्ट में भी प्रोजेक्ट विधि के बारे में बात की गई थी, और जितने सॉल्यूशन कराए, मैंने बार बार बोला कि मेरे द्वारा जो सवाल लिखे जा रहे हैं बोर्ड पे, जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, जो आंसर बताए जा रहे हैं, ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ देखिए बच्चे, प्रोजेक्ट विधि किसने दी थी, किलपैट्रिक साहब ने दी थी। और फ्रोबेल ने क्या दिया, सर फ्रोबेल ने खेल विधि का निर्माण किया था, किंडन गार्डन का किया था, याद करके बताइए हाँ या ना, डिट्टो फंसा था कि नहीं फंसा था बताओ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ था सर जी। सर जी 500 किराया लगाकर सूरज भाई, मतलब न जाने कितने लड़कों का जो है नुकसान कराए हैं नलायक, भगवान ही इनका जो है भला करें अब तो, ठीक है टेंशन ना लो। लेसन प्लान, देखो ये पाठ योजना लेसन प्लान, जब आप बीएड वगैरह करते हो, जब वहां पे आपको लेसन प्लान बनाया जाता है किस तरीके से आप पढ़ाने वाले हो, तो पाठ योजना में छात्र में पूर्व अधिगम से संबंधित है। तो बताओ भैया ऐसी कौन सी चीज है जो किसी भी छात्र के पिछले सीखे गए ज्ञान से संबंधित आप करोगे, तो ध्यान से देखेंगे यहां पे सर जी, प्रस्तावना प्रश्न, यानी उनके ज्ञान से संबंधित जो चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या होगा, प्रस्तावना प्रश्न होगा सर जी, उद्देश्य लेखन, मूल्यांकन प्रश्न और लक्ष्य कथन, ये सब के सब जो है बाद के स्टेप्स आते हैं। हाँ या ना मैं बताएं एक बार, ठीक है। लेसन प्लान में जो आपका पूर्व अधिगम होता है, यानी सर जो हम पहले से सीख करके आए रहते हैं, उससे संबंधित चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रस्तावना प्रश्न बोलते हैं, जो भूमिका तैयार करी जाती है स्टार्टिंग में ही लेसन प्लान में, ठीक है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब मुझे लग रहा है सभी बच्चों ने दिया होगा। गलत वाक्य को चुनना है दोस्त, ये आपका पेडागॉजी से है, पेडागॉजी की एक बहुत अच्छी खासियत है, पेडागॉजी की जो खासियत है वो क्या है सर जी, पेडागॉजी की जो खासियत है वो ये है कि आपको सवाल वो एग्जामिनर ही सेट करता है, और एकदम ताजा सवाल देखने को मिलते हैं, और आपके अपने कॉमन सेंस से अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करके उस सवाल का जवाब देना होता है। गलत वाक्यों को चुनना है, गलत वाक्य को चुनना है सर जी, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चौथा विकल्प। क्यों कह रहा, छात्र सबसे नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं, छात्र कभी भी नियंत्रित वातावरण में सीख नहीं सकता, याद रखिएगा। अगर मैं आपके कनपटी पे कट्टा सटा दूं और कहूं कि पढ़ो, आप सीख नहीं पाओगे, आप बस डर के मारे काम पूरा कर पाओगे। बचपन में जब आपको मार पीट करके पढ़ा दिया जाता था, आप सीखते नहीं थे, आप सिर्फ होमवर्क पूरा करते थे दोस्त, आप मम्मी पापा के डर से होमवर्क पूरा करते थे। तो याद रखें हमेशा सर जी, जो सीखने का बात आप कर रहे हो ना, जो अधिगम की बात कर रहे हो, वो एक अनियंत्रित वातावरण में होती है, वो एक खुले वातावरण में होती है। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब था, चौथा प्रश्न जो, चौथा आपका विकल्प जो था वो एक गलत वाक्य है, ठीक है।
अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न देखो जरा, संशोधन के बारे में आपका प्रश्न है, ध्यान से देखो जरा, बताओ कि हाँ ये बातें हम लोगों ने नहीं की थी। ओरल सवाल किसी दोस्त ने मेरे कमेंट में, मेरे वीडियो खत्म हो जाने के बाद कमेंट में एक दोस्त ने लिखा था कि अंकित सर एक बार प्लीज आप जो है शिक्षा के अधिकार पे मुझे बता दीजिएगा कि 2002 क्या होता है, 2009 क्या होता है, 2010 क्या होता है। तो मैंने बताया था कि जो आपके संविधान में संशोधन का जो बात की गई 2002 की, उसमें शिक्षा के अधिकार को 2009 में मौलिकता के अधिकार के अंतर्गत रखा गया था 86वें संशोधन के द्वारा, और 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में उसको लागू कर दिया गया था सिवाय जम्मू एंड कश्मीर के, क्योंकि वहां पे 370 अभी हटा नहीं था। तो कौन सा संशोधन? 86वां संशोधन। याद करिए दोस्त, कौन सा संशोधन? 86वां संशोधन। आप सभी के साथ जो भी अंकित भैया ने काम किया था आपके ऊपर ही है, अब आप स्वयं देख सकते हैं, मुझे कुछ अलग से कहने की बोलने की अब आवश्यकता नहीं है। शिक्षण के कार्य में सम्मिलित क्या क्या है यह अभी हम लोगों ने देखा था कि सर शिक्षण के कार्य में हम ये देखते हैं कि किसी बच्चे को समस्या क्या है, समस्या का उपचार क्या करूंगा, उपचार करने के बाद मूल्यांकन भी करूंगा। तो सर जी सही जवाब जो हो जाएगा चौथा विकल्प हो जाएगा, उपर्युक्त सभी विकल्प हमारे क्या हो जाएंगे, सभी विकल्प हमारे सही हो जाएंगे। शिक्षण के कार्य में सर जी तीनों होते हैं, शिक्षण के कार्य में ये तीनों के तीनों होते हैं। बिल्कुल सही जवाब है ये दोस्त, बिल्कुल सही जवाब है ये, यानी 20 का डी हो जाएगा। आगे आते हैं, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली कब हो जाएगा, सबसे कम प्रभावशाली कब हो जाएगा? सर जी शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, जी हाँ, अगर टीचर आपका अपने अधिकार का प्रयोग करके सिर्फ और सिर्फ क्लास को कंट्रोल कर रहा होगा, वहां से शिक्षण उसका क्या हो जाएगा, प्रभावशाली नहीं रह जाएगा। बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थी अगर निष्क्रिय रहेंगे, थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम का अगर वो पालन नहीं करेंगे, तो भी आपकी शिक्षण जो है क्या हो जाएगी, कम प्रभावशाली। जैसे कि बच्चों की संख्या, यहाँ पर बार बार हम लोग बोलते रहते हैं कि रेगुलर आइए, रेगुलरिटी बनाइए, निरंतरता के साथ पढ़ाई करिए, गारंटी दे रहा हूँ सवाल फंसा दूंगा आपका। केवल लिखने पर बल हो, यानी सिर्फ छापे पढ़ें। सर जी संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, हमने कहा लिखो, मैं बोल रहा हूं, आपने सिर्फ छाप लिया। सीखा कहां यार, शिक्षण कहां आया, समझ में कहां आया, कॉन्सेप्ट क्या था उसका? जब इन तमाम चीजों को हम लोग समझ ही नहीं पाए तो सर जी शिक्षण कम प्रभावशाली तो हो ही गया, यानी इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा, 21 का डी विकल्प हो जाएगा इसका भी सही जवाब। बताइए अगला प्रश्न देखें, यहां से 22 नंबर प्रश्न देखिए जरा, 22 नंबर प्रश्न दोस्त, भाषा स्थानांतरण सिद्धांत। भैया ये क्या है आपका, ये क्या चीज है? भाषा स्थानांतरण के सिद्धांत को हम लोगों ने अपने मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन में किया था क्या? सर जी भाषा रूपांतरण, भाषा जो है स्थानांतरण, भाषा के ऊपर जो बात की गई थी वो किसने की थी? चॉम्स्की साहब ने की थी, बताइए हाँ या ना। चॉम्स्की साहब ने की थी, मॉक टेस्ट में कराया था इस क्वेश्चन को, मॉक टेस्ट में कराया था इस क्वेश्चन को, इसीलिए हम लोगों ने कहा था कि मॉक टेस्ट आप आकर के जुड़िए, देखिए कितना फायदा मिलता है। इसीलिए अंत में थियरी क्लास को रोक करके मॉक टेस्ट कराया गया, क्यों? क्योंकि सबको पता था कि सर जब हम लोग प्रैक्टिस सेशन से जुड़ेंगे, जब कुछ अलग अलग प्रकार के सवालों को करेंगे, तो सर कुछ सवाल तो वहां से भी फंस जाएंगे। ये बातें मैंने आपसे कही थी, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि डेली आकर के जुड़िए प्रैक्टिस सेशन से, जब भी आपकी क्लास रहती है रोजाना देखा करिए उस क्लास को, रिविजन किया करिए, सवाल गारंटी है डिट्टो फंसेंगे, विकल्प भी नहीं बदल पाएंगे ये लोग जो है, क्योंकि इनके ढर्रे को हम सब लोग समझते हैं। शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सही नहीं है, बताइए भैया? शारीरिक गठन के संदर्भ में मैंने कोई बात नहीं पढ़ाई आप लोगों को लाइव कैमरे पे, ठीक है, ये बात आप लोगों को भी पता है, लेकिन यहां पे बता देता हूं, शारीरिक गठन के संदर्भ में एंटागोनिस्ट जो है ये सही नहीं है, एंटागोनिस्ट जो है ये सही नहीं विकल्प है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सही विकल्प क्या है इस प्रश्न का? सर इस प्रश्न का सही जवाब है एंटागोनिस्ट, ठीक है, एंटागोनिस्टिक जो होगा इस प्रश्न का सही जवाब बन जाएगा दोस्त, ठीक है, एंटागोनिस्ट जो होगा इस प्रश्न का सही जवाब बन जाएगा, कहे थे आप हम डेली क्लास में थे, बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न पे चलता हूं, निम्नवत में से अभिप्रेरणा के घटकों का, याद करिए अभिप्रेरणा के घटकों के बारे में हम लोगों ने बातें करी थी क्या? चार मैंने बताए थे अगर आपको याद हो तो,
चार हमने बताए थे, क्या हमने बताया सबसे पहले आपको नीड आएगी, यानी क्या आप मांग करेंगे, मांग करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, अंतर्नोद मिलेगा, अंतर्नोद मिलने के बाद क्या आएगा, प्रोत्साहन आएगा, प्रोत्साहन के बाद आपको क्या मिलता था सर, हमें प्रेरक मिलता था, प्रेरक के चार अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार बताए थे, याद करिए। तो क्या सर हमारे अभिप्रेरणा के सिद्धांत घटकों में आवश्यकता है, जी हां, अंतर्नोद है यानी ड्राइव यानी चालक, जी हां सर है, प्रोत्साहन है, जी हां सर, इंसेंटिव भी है, यानी सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। बात अगर गलत कह रहा हूं तो आप जरूर हमको टोक दीजिएगा कमेंट करके, लाइव कैमरे पे खड़ा हूं, बताइए। यानी आपको भरोसा बनाए रखना है, आपको भरोसा बनाए रखना है अपने शिक्षक के ऊपर, अपने पढ़ाई के ऊपर, अपने खुद के ऊपर। बस ध्यान रखिए, थोड़ा सा गंभीरता के साथ प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे, पढ़ेंगे, और गारंटी दे रहा हूं कि अगला जो भी पेपर आएगा उस पेपर में भी चीड़ फाड़ कर देंगे। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इसके बारे में भी कुछ बात करना बाकी रह गया होगा तो बताइएगा। साइको एनालिटिक थियरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, फ्रायड साहब की ये थियरी है, बताइए। साइको एनालिटिक थियरी के बारे में मैंने आप लोगों को अगर न पढ़ाया हो तो बताइएगा। स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था ये साइको एनालिटिक थियरी, मनोविश्लेषण थियरी, चेतना उतना की बातें यहां पे। बोलो हाँ या ना। अगले प्रश्न पे चलता हूं, 26 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा स्कीनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम का सिद्धांत से संबंधित नहीं है, अधिगम के स्कीनर के सिद्धांत से संबंधित नहीं आपको ढूंढना है। मैं पूरे प्रैक्टिस के दौरान आपसे बोलता रह गया था कि भैया इस यस या नो वाले कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, प्रश्न के लास्ट में बोलेगा नहीं है। तो बताइए जरा कि स्कीनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है कौन सा, सर जी तीसरा विकल्प, त्रुटियों के माध्यम से। सर जी त्रुटियों का कौन बताया था, सर जी प्रयास और त्रुटि तो थॉर्नडाइक साहब ने दिया था, ये स्कीनर की थियरी के बारे में कहां से बोल गए। तो सर जी स्कीनर की थियरी अभिक्रमित वाली भी, व्यक्तिगत निर्धारित वाली भी, व्यवहार रूपांतरण वाली भी, लेकिन जो तीसरा विकल्प है त्रुटियों वाला, यानी हमारे क्या एरर ट्रायल एरर ट्रायल एरर, क्या थॉर्नडाइक साहब की थियरी बिल्कुल सही जवाब है। ये भी बताया था, इसके बारे में भी पढ़ाया था और जम करके पढ़ाई करी थी हमने और आपने, बताएं बच्चे हाँ या ना, इसके बारे में भी जम करके हमने और आपने पढ़ाई करी थी। ये देखिए जरा 27 नंबर प्रश्न, 27 नंबर प्रश्न के साथ मैं आपको जरा छोड़ रहा हूं, 27 नंबर प्रश्न को जरा देखो, और मूल्यांकन है, और मूल्यांकन के साथ साथ चार विकल्प दिए गए हैं। कहा है कि अलग अलग योग्यताओं और रुचियों वाले विद्यार्थियों का कौन सा मूल्यांकन आप करोगे। सर अलग अलग योग्यता, अलग अलग रुचि, यानी सर जी बच्चा हो गया प्रतिभाशाली, वो डायरेक्ट प्रतिभाशाली नहीं बोला, घुमा दिया, अलग अलग योग्यताओं और अलग अलग रुचियों वाले। सर जी बच्चा हो गया प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली बच्चों का जो मूल्यांकन होता है सर जी, और ऐसे भी सर जो मूल्यांकन होता है वो सतत एवं व्यापक होता है। डिट्टो विकल्प है या नहीं है, अगर ना हो तो कमेंट करके मेरे से बताइए। बस अपने ऊपर भरोसा रखें मेरे मित्र, अपने ऊपर भरोसा रखें मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, बस अपने ऊपर भरोसा रखिए, कुछ भी आपको अलग से परेशान नहीं कर पाएगा, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको, कोई अलग से आपको परेशान नहीं कर पाएगा, ये लिख करके आपको दे रहा हूँ मैं, ठीक है। सर जी अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के संबंधित ब्लूम का वर्गीकरण, फिर से ब्लूम टैक्सोनॉमी आ गई, ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में भी बातें हो चुकी हैं, पहले भी आया है एक ब्लूम टैक्सोनॉमी से, दो क्वेश्चन हो चुके हैं, और ब्लूम टैक्सोनॉमी से बोला है संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। तो सर चरित्र निर्माण हमारा ब्लूम टैक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक पक्ष में कहां है, नहीं है सर। बाकी तो तीनों के तीनों आपके, चाहे वो पहला विकल्प अवबोध का हो, कंप्रिहेंशन का, चाहे नॉलेज हो, चाहे एनालिसिस हो, नॉलेज तो सर जी सबसे निचले स्तर पर आता है, ये भी आपको पता है। सर जी तीसरा विकल्प चरित्र निर्माण हमारा क्या होगा, सही विकल्प हो जाएगा, यहां से सही विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलता हूं, 29 नंबर प्रश्न, इसके बाद इंग्लिश का सेशन। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर ही नहीं है, अरे भैया शिक्षण का स्तर नहीं है, जरा ध्यान से पढ़ करके बताओ, स्तर नहीं है, कौन सा इसमें है जो आपका
अब इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा रोशनी जी, ऐसा कतई मत सोचिएगा कि इजी नहीं आएगा। ये इजी इसलिए है क्योंकि आप सबने पढ़ा है, हमने गला फाड़ा है, आप लोगों ने अपने कान के पर्दों को फाड़ा है और हम सबने मिल करके जुड़ करके क्या किया है, पढ़ाई की है, सीखा है, उसको याद किया है सर, समय दिया, मेहनत की है, तब जा करके ये सवाल आज आसान लग रहे हैं, वरना यही सवाल आसान नहीं लगते, कठिन लग रहे होते। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, अभिप्रेरणा का स्तर। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, तो सर जी अभिप्रेरणा का स्तर इसका सही जवाब। रजनी जी बिल्कुल, रोशनी वर्मा बिल्कुल करेक्ट जवाब है, बहुत अच्छे। जिन लोगों ने अवबोध को कॉम्प्रिहेंशन को बोला है, गलत जवाब है। कॉम्प्रिहेंशन इसका टीचिंग का एक लेवल होता है दोस्त, प्रत्यावर्ती भी होता है, स्मृति भी होता है, अगर कुछ नहीं होता है तो अभिप्रेरणा का स्तर होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे, और इसी प्रश्न के बाद मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। ठीक है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत, अरे भैया मनोसिद्धांत यानी साइकोसोशल थियरी किसने दिया, साइकोसोशल थियरी एरिक्सन ने। मैंने एरिक्सन के ऊपर अभी कोई बातें नहीं की थी तो मैं आपसे झूठ बोलूंगा भी नहीं। ठीक है, तो आप स्वयं देख सकते हैं कि किस प्रकार आपने मेहनत करी थी और आपके सामने ही आपकी थियरी है, आपके सामने ही आपका रिजल्ट है, आपके सामने ही आपका प्रश्न पत्र भी पड़ा हुआ है। कितनी मेहनत आपने की थी, कैसा पेपर आया, और नालायकों की वजह से, गधों की वजह से जो हम लोगों ने नुकसान उठाया है, कोई बात नहीं सर, अभी भी हमारे पास 25 दिन का ठोस समय 25 दिन का है सर। 25 दिन में ऐसी रगड़ करके पढ़ाई करेंगे कि सर इस पेपर का बाप भी आएगा ना तो भी हम हल करके दिखाएंगे, ये वादा करके आप लोगों को आज जाना है मेरे से। ध्यान देंगे बच्चे, दो चीजें आप लोगों को याद दिला दूं, कल है 30 नवंबर, कल से, ठीक है, कल से आपकी ऑफलाइन में निशुल्क कक्षाएं शुरू हो जाएंगी, निशुल्क यूपी टेट। ठीक है, समय क्या है सर जी, समय है आपके शाम के तीन बजे सर, और एड्रेस क्या है सर जी, पता क्या है, तो सर पता जो है इसका वो है एक्सीड कोचिंग कर्नलगंज प्रयागराज। ठीक है, और अब उन बच्चों के बारे में जो बच्चे हमारे साथ लगातार लाइव में बने हुए थे, ठीक है, अब जरा ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं, कल आप लोगों का इंतजार रहेगा, कल 30 नवंबर है, ऑफलाइन के सभी बच्चों का मैं इंतजार करूंगा, आपके कुलदीप सर, आपके एसपी पांडे सर, आपके सभी टीचर यूपी टेट की टीम के लाइव तो मिलेंगे आपके, लेकिन सर जी इस बार लाइव कहीं दिखेगा नहीं, सामने सामने फेस टू फेस हम लोग होंगे और बहुत मजा आएगा पढ़ाई करके। ठीक है, अब बातें करते हैं, रोशनी वर्मा जी आइए ध्यान दीजिए, यहां पे हम लोग बातें कर रहे हैं जरा ऑनलाइन के बारे में। सभी बच्चे एक काम करेंगे, सबसे पहले सर हम लोग एक्सीड के एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। कहां से डाउनलोड करेंगे, तो सर हम सभी के पास अपनी मोबाइल है, जिस मोबाइल में यूट्यूब चल रहा है, ठीक है, इस यूट्यूब वाली मोबाइल में ही सर हम लोग प्ले स्टोर में जाएंगे, प्ले स्टोर से हम लोग सर एक्सीड का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। एक्सीड के एप्लीकेशन पे ही आप लोगों को यूपी टेट की कक्षाएं हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं, यूपी टेट की थियरी क्लास हम लोग आपको देने वाले हैं, और बिल्कुल थियरी क्लास इस बार एक नए अंदाज में आएगी, यूपी टेट की थियरी क्लास, जो चीजें यहां पढ़ाई जाएंगी वही चीजें आप लोगों को यहां भी पढ़ने को मिलेंगी, यूपी टेट की थियरी क्लास यहां पर आपको मिलेगी। तो आपको करना कुछ नहीं है, एक्सीड का एप्लीकेशन आप लोगों को डाउनलोड करना है, ठीक है, कोई बात नहीं रागिनी, अगले पेपर में और मजबूती से सर हम लोग जाएंगे। ठीक है सर, हम डाउनलोड किए हैं, तो रोशनी वर्मा जी बस इंतजार करिए, परसों से आप लोगों को ये कक्षाएं मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। ठीक है, कल तो हम लोग यहां स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी परसों से आप लोगों को ये सारी की सारी कक्षाएं मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। ठीक है, परसों से मिल जाएंगी, या हो सकता हो कि आप लोगों को कल रात से ही मिल जाए। ठीक है, कल रात से भी, तो जैसा भी होगा हम लोग बताएंगे। इतना जरूर मैं आपसे बोल दूंगा कि सर कल या परसों से आप लोगों को एप्लीकेशन पे हम लोगों की कक्षाएं दिखना शुरू हो जाएंगी। ठीक है,
कल या परसों से। तो जितने भी मित्र हम लोगों के ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, जितनी भी शेयर और शेयरियां इस समय लाइव देख पा रहे हैं, हमें याद रखिए कल संस्थान में हम लोग आपका इंतजार करेंगे। आइए मिल करके पढ़ा जाएगा। अगले 25-26 दिन को सर एकदम दोगुना करेंगे। जैसे अक्षय कुमार ने कहा था, क्या अक्षय कुमार का देखा ये वाला पोज, अक्षय कुमार ने जब ये वाला पोज दिया था बोला था 25 दिन में पैसा डबल। तो दोस्त 25 दिन में मेहनत डबल कर करके हम लोग जो है सवालों की संख्या को भी डबल कर लेंगे, अपने लेवल को भी डबल करेंगे। और सर अगर इस बार बाप भी आ गया ना पेपर का, सर उसको भी फोड़ देंगे इस बार हम लोग। और ऑनलाइन वाले बच्चों को एक्सीड एप्लीकेशन के माध्यम से हम लोग ये देंगे। तो एक्सीड के एप्लीकेशन को दोस्त आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिएगा अपने आप को, आप लोगों को कक्षाएं वहां पे मिल जाएंगी। मैंने आपसे कहा था कि आपका भाई आपको निराश नहीं करेगा, मैंने कल वादा किया था। आप देखें आज ही हम लोग क्या कर दिए, आज आप लोगों के बीच में आकर के अनाउंस कर दिए, ठीक है। तो अब अगली कक्षा आपकी इंग्लिश वाले सर लेंगे, नितिन सर आ रहे हैं, अब वो आप लोगों को जो है कराएंगे सेशन। और दोस्त याद रखिएगा सर सीडीपी के सारे सही थे, देवव्रत भाई कह रहे हैं, मतलब यार मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत बहुत निराश हूँ, ठीक है। लेकिन बस वही बात है ना कि मैं जो बोलता हूँ आप लोगों से करने को, वो काम मैं खुद भी करता हूँ, यानी मैं अपने चेहरे पे ये निराशा झलकने नहीं दूंगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि मैं इस चीज़ को झलकने नहीं दूंगा अपने चेहरे पे, पूरे हिम्मत के साथ, पूरी मुस्कान के साथ, पूरे जोश जज्बे के साथ हम लोग उसी ऊर्जा को लेकर के क्लासरूम में पहुँचेंगे जिस ऊर्जा के साथ हम लोग पहले पढ़ते थे, ठीक है। तो वादा करिए कि सब लोग कल जो है मिलेंगे ऑफलाइन में, और बाकी जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप जो दूर दराज से, मैं तो ये बोलूंगा कि जितने भी प्रयागराज में बच्चे हैं आप लोग आइए, आप लोग एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ना बंद करें, आप लोग ब्रांच पे आइए, ब्रांच पर आकर के 4 घंटे की ऑफलाइन क्लासेस को एंजॉय करिए, ठीक है, सीखिए वहां पे बैठ के। जो बच्चे दूर दराज के इलाकों से हैं, जो नहीं आ सकते हैं, जिनके पास कुछ आर्थिक मजबूरियां हैं, जो शहर में नहीं आ सकते प्रयागराज में, उन बच्चों के लिए ये सुविधाएं हैं, ठीक है, उनकी मजबूरियां हैं। ऑफलाइन क्लास का एक अलग आनंद रहता है, जब आप आएंगे तो आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, आप डाउट पूछ सकते हैं, चीज़ों को आमने सामने बैठ के ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं, और शिक्षक भी बात दे नहीं रहेगा कि नहीं नहीं अगले क्लास की टाइम हो रही है, लॉ क्लास बंद करते हैं ना, ऐसा भी बंधक वहाँ पर नहीं बनाया जाएगा आपको। तो बहुत मजा आने वाला, आप सभी के सभी जो भी बच्चे प्रयागराज में, उन सबसे मेरा जो है हाथ जोड़ करके आग्रह है, आइए आप लोग ब्रांच पर आकर के मिलिए, मिल करके हम लोग तैयारी को शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए तो ऑल द बेस्ट अगले सेशन के लिए, मिलेंगे हम लोग कल से, तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, हैव अ गुड टाइम, जय हिंद। नितिन सर बच्चे इस चीज का आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक है। हाँ ये इंग्लिश की क्लास है सर की, और उसके बाद बस बच्चे जरा सेशन को शेयर कर दी। सर एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा? शशांक यादव भाई कोई एडमिशन का प्रोसेस नहीं है, एकदम फ्री है हमारे शेयर और शेयरनियों के लिए, आप बस संस्थान में आइए, बस आप बता दीजिए कि सर हम लोग क्या हैं, यूपी टेट की विद्यार्थी हैं, यूपी टेट की कक्षाएं ज्वाइन करना चाहते हैं, हर व्यक्ति आपके साथ जो है जाएगा कक्षा में, आपको पहुंचा करके आएगा, बहुत मजा आने वाला यकीन मानिए। बहुत सारे सरप्राइज अभी रखे गए हैं ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए, ठीक है, ना तो कोई पैसा रुपया लगेगा आपका, बशर्ते हम लोग अलग से आपके साथ कुछ ना कुछ जो है दे करके ही भेजेंगे, ठीक है। तो सभी लोगों का स्वागत रहेगा, उम्मीदों पे खरा उतरना जैसे हम लोग उतरे हैं, कोई जो है वादा अपना तोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो बुलाते हैं नितिन सर को, स्वागत करते हैं, अंग्रेजी कक्षाएं चलेंगे। हाँ सर, थैंक यू सो मच सर, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, वेलकम है आप सबका भाई। तो चलिए आइए हम लोग इंग्लिश का पेपर सॉल्व करते हैं। कल आपको पता है अनफॉर्चुनेटली ये पेपर आपका कैंसिल हो चुका था, कैंसिल हो गया था, और उसी पेपर को हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। आइए देखिए पेपर सॉल्व करते हैं मेरे भाई, जो भी क्वेश्चंस आपके हैं उन्हें करने की कोशिश करते हैं, देखिए करते हैं, आइए। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आपके सामने है, स्ट्राइक द आयरन इट इज हॉट। वैसे तो ये एक तरह से प्रोवर्ब भी है मेरे भाई, आपने सुना होगा कि जब लोहा गर्म हो तभी उस पर क्या मारो, हथौड़ा मारो, है ना, तो वही चीज है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या भरना है, एप्रोप्रिएट कंजंक्शन भरना है मेरे भाई, एप्रोप्रिएट कंजंक्शन इन द सेंस कि जो सबसे उपयुक्त कंजंक्शन है वही आपको भरना है। तो आपको बता दो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा, स्ट्राइक द आयरन, यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा इसका वो ये होगा, वाइल, क्या होगा भाई, वाइल। तो होता क्या है, स्ट्राइक द आयरन
वाइल इट इज क्या बताओ हॉट, क्या होगा भाई स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज क्या बताओ हॉट, तो करेक्ट उत्तर इसका क्या होगा ए होगा जी। गुड इवनिंग सबको, सबको जय हिंद, गुड इवनिंग सबको, रागिनी जी को, रागिनी पांडे, रागिनी फुलपुर, दो दो रागिनी हैं, ठीक है, शालू यादव, रीता शर्मा सबको गुड इवनिंग, देवव्रत पांडे जी गुड इवनिंग, है ना। आइए देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच करिएगा, आपने दिया है पेपर, आपने दिया है और मैच करिएगा अपने आंसर कि कितने आपने सही किए हैं, कितने आपने करेक्ट किए हैं मेरे भाई। देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव ऑफ दिस सेंटेंस। अब जरा देखिए इसका क्या करना है, पैसिव बनाना है, क्या बनाना है पैसिव। प्लीज सेट डाउन, अब आपको पता है ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्या है बताओ इंपेरेटिव सेंटेंस, और इसका जो पैसिव बनता है वो यू आर रिक्वेस्टेड टू से बनता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद जो भी वर्ड्स होंगे। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, एक ही ऑप्शन है यू आर रिक्वेस्टेड से, तो आपको पता है इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा भाई सी होगा, क्या होगा सी होगा मेरे भाई, क्या होगा सी। मैच करते रहिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्टरनेटिव्स, अच्छा देखिए इसकी स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, दिस इज अल्टरनेटिव्स, क्या होगा अल्टरनेटिव, ये हल्की सी टाइपिंग एरर है मेरे भाई, इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अब आपको बताना है कि कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट है मेरे भाई, कौन सा ग्रामेटिकली इसमें करेक्ट है। तो अब देखिए इसमें दो बैक टू बैक नाउन है, ब्रेड और क्या है बताओ मिल्क है, और ब्रेड और मिल्क आपको पता है ये कैसा सेंस देंगे, आपको पता है ये कंबाइंड सेंस देंगे, कैसा सेंस देंगे मेरे भाई कंबाइंड सेंस देंगे, और जब दो नाउन्स होते हैं जो एंड से कनेक्टेड होते हैं और वो कंबाइंड सेंस देते हैं तो वर्ब वहाँ पे क्या आती है सिंगुलर आती है, क्या आती है मेरे भाई सिंगुलर आती है। तो आप खुद ही देखिए कि यहाँ पे आर है तो ऑप्शन नंबर ए कभी हो ही नहीं सकता, यहाँ पर इज है ये हो सकता है मेरे भाई, है ना, और यहाँ भी आर है तो ये भी क्या बताओ नहीं हो सकता, यहाँ क्या है बताओ विल बी कर दिया है ना, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कर दिया है विल बी होलसम फूड्स, और उसके बाद क्या है ऑप्शन नंबर बी में इज अ होलसम फूड। तो आपको पता है जब ये कैसा सेंस देंगे मेरे भाई कंबाइंड सेंस देंगे तो जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी सिंगुलर आएगी, तो इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा बी होगा, दैट इज वॉट, क्या होगा मेरे भाई बी होगा, भैया आर होलसम फूड नहीं होगा, दैट इज वॉट क्या होगा बी क्या होगा बताओ भाई अ होलसम फूड होगा, इज अ होलसम फूड होगा, क्या होगा भाई इज अ होलसम फूड। तो 63 का रागिनी फुलपुर जी बी होगा, क्या होगा बताइए बी होगा, आपने सही जवाब दिया। मैच करिएगा आप अपने, है ना, आंसर्स जो भी आपने किए हैं, देखिए अपना स्कोर कार्ड चेक करिए कि आपने कितना सही किया है। चलिए ये एक पोइट्री दी है, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, है ना, द ओनली, आपको बता दूं ये जो पोइट्री है आपने पढ़ी होगी, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री है मेरे भाई, किसकी है रॉबर्ट क्या बताओ फ्रॉस्ट की, और इसका आपको ट्रांसलेशन है ना अगर देखना है हिंदी वर्जन देखना है तो हरिवंश राय बच्चन ने भी इसका हिंदी वर्जन दिया है। फिलहाल हम लोग सीधे क्वेश्चंस करेंगे, आप इसके आंसर्स मैच कर लीजिए, इससे संबंधित दो क्वेश्चंस बने हैं, इससे संबंधित मेरे भाई दो क्वेश्चंस बने हैं, दोनों को आप देख लीजिए, है ना। मैं बता दे रहा हूँ दोनों का आंसर्स। What is the meaning of the word flake? देखिए है ना जो स्टैंजा जो आपका दिया है उसमें से फ्लेक जो वर्ड है उसका क्या मतलब है, तो देखिए फ्लेक का मतलब आपको बता दूं, है ना, किसी चीज़ का टुकड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है इसका मतलब जो फ्लेक का है आप देखें क्या है, ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, यहाँ पर इसका मतलब आपको बता दूँ इससे भी है, दैट इज़ वॉट ड्रॉप्स ऑफ रेन से, तो आपको बता दूँ ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि ड्रॉप्स ऑफ रेन का मतलब बारिश की छोटी सी बूंद से है, तो ये भी सही है ये भी सही है। तो अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर थ्री में वन और टू दोनों करेक्ट है, तो इसका क्या होगा उत्तर थर्ड होगा मेरे भाई, क्या होगा थर्ड होगा, सो थर्ड इज द क्या बताओ करेक्ट आंसर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। डीप इन कीप, अब देखिए ये क्या है डीप और कीप सिमली हैं, सिमली आपको पता है कंपैरिजन होता है, बार बार मैंने बताया है, बार बार मैंने बताया है कि सिमली और मेटाफर याद रखिए दोनों कंपैरिजन को दिखाते हैं, लेकिन सिमली में जो कंपैरिजन होता है वो लाइक और रिएक्ट से होता है, तो यहाँ किसी तरह का कोई कंपैरिजन तो हो ही नहीं रहा, तो ना तो सिमली हो सकता है ना तो मेटाफर हो सकता है। हाँ ये राइमिंग वर्ड्स हैं, क्या है बताओ राइमिंग वर्ड्स हैं, क्योंकि इनका लास्ट वेल है ना, वर्ड का जो साउंड है वो क्या है बताओ सेम है, जैसे डीप क्या बताओ कीप, जैसे फैट कैट
फैट रैट कैट रैट, तो ये सब राइमिंग वर्ड्स हैं मेरे भाई। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी। अगर आप देखें तो जो मॉक्स हमने किए हैं, जो मॉक टेस्ट हम लोगों ने किया है मेरे भाई, उस मॉक टेस्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं। कुछ तो एकदम डिट्टो सेम आए हैं मॉक टेस्ट, जिन 10 मॉक टेस्ट को मेरे भाई, वो सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस सीधे पूछे गए हैं। आप देखिए, सीधे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये सीधे आया है जो मॉक टेस्ट आपने किए हैं। एक क्वेश्चन तो ये सीधे आया है ना, और इस तरह के राइमिंग वर्ड्स पे है ना, फिगर ऑफ स्पीच में हमने कई सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो आप देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे भाई जो डायरेक्ट पूछे गए हैं, डिट्टो सेम टू सेम पूछे गए हैं, एज इट इज, जैसे मॉक में हमने किया था बिल्कुल सेम, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो आप देख लीजिए, सिर्फ मॉक से अगर आप इतना कुछ हासिल कर सकते हैं, तो जब आप क्लासेस करेंगे, कंप्लीट कोर्स करेंगे, वैसे भी आपको पता है हमारे यहाँ यूपीटेट का निःशुल्क बैच स्टार्ट होने वाला है, और शायद ये कल से ही स्टार्ट है, सर ने आपको बताया होगा। तो जब आप क्लासरूम में आके पढ़ेंगे, सीधे फेस टू फेस बैठ के पढ़ेंगे आमने सामने, या मान लीजिए कोई ऑनलाइन है ना क्लास चलती है कंप्लीट, जिसमें आपको सिलेबस पढ़ाया जाएगा, तो आप खुद ही देखेंगे कि सारी चीज़ें आपकी है ना वहीं से आएंगी, कुछ भी बाहर नहीं आएंगी। मॉक से जब आप इतना बेहतर कर सकते हैं, तो फिर है ना कंप्लीट सिलेबस पढ़ेंगे तो सब कुछ आसानी हो जाएगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट है, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस द लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड इन एजुकेशन। देखिए, टेक्नोलॉजी का यूज एनहांस करने के लिए है ना, और मजबूत करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए लर्निंग प्रोसेस को, इसे क्या कहा जाता है एजुकेशन में मेरे भाई? इसे ICT कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ICT। सो 2 इज द करेक्ट आंसर। इसका दूसरा वाला आंसर क्या होगा बताओ? करेक्ट होगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट। अब देखिए, जॉन, द सेंटेंस जॉन विल बी लीविंग फॉर इंग्लैंड टुमारो। आप जरा देखिएगा, जॉन विल बी लीविंग है ना फॉर इंग्लैंड टुमारो। ये जो सेंटेंस है, ये किस टेंस में है, यही आपको बताना है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इतना ईजी क्वेश्चन है। आप देखिए, क्या है ये बताओ? विल बी है, क्या है बताओ? विल बी है। तो ये कौन सा इसमें करेक्ट होगा आंसर बताओ? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब इतना सस्ता क्वेश्चन आप देखिए, इतना आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है मेरे भाई, बहुत सिंपल। इस तरह के ना मालूम कितने क्वेश्चन आप मॉक्स देखिए, इस तरह के ना मालूम कितने क्वेश्चन हमने मॉक्स पे किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मॉक्स पे किए हैं मेरे भाई, और ये सब बिल्कुल सिंपल, आपको पता है कुछ भी नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट, मॉक्स उठा के देखिए, ना मालूम कितने क्वेश्चंस हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस पे किए हैं, सिंपल सेंटेंस पे किए हैं, ना मालूम कितने सारे क्वेश्चंस किए हैं मेरे भाई। अगर सिर्फ आपने मॉक्स, अगर 10 मॉक्स जो इंग्लिश के मैंने सॉल्व कराए हैं, जो एक्सीड ने आपको प्रोवाइड करवाए हैं मेरे भाई, अगर उन 10 मॉक्स को आपने अच्छे से किया होगा, तो आप आउट ऑफ 30 करके आए होंगे, क्योंकि मॉक से ही अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट सारी चीजें आई हैं, डिट्टो सेम टू सेम सारी चीजें आई हैं मेरे भाई। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको बताना है इसमें से। अब मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सब कुछ बताया है, कि अब आपको पता है यहाँ पर 2 या 2 से अधिक क्लॉजेज होंगी, कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज और उससे ज्यादा क्या बताओ, एक कम से कम सबऑर्डिनेट क्लॉज, सब कुछ ही बताया है मेरे भाई। और इसका मतलब क्या है कि कम से कम 2 फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। अब 2 फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, तो आप खुद ही देखिए, यहाँ पर एक ही फाइनाइट वर्ब है, यहाँ भी अब अगर आप देखें तो यहाँ 2 है डेड नॉट, और यहाँ देखें तो यहाँ भी क्या है बताओ, 2 है, और यहाँ सिर्फ 1 है। तो ऑप्शन नंबर ए और डी तो कभी क्या बताओ हो ही नहीं सकता। अब आप देखें यहाँ पर क्या है बताओ, शी डिड नॉट लाइक दैट बियर्ड क्या बताओ मैन, और ही यहाँ पे रीड्स कर लीजिएगा, ये रैट्स लिखा है, ही रीड्स वॉट ही लाइक्स। अब आपको पता है वो पढ़ता है जो वो क्या करता है, पसंद करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा आपका बताओ, सी वाला है। क्या है मेरे भाई? सी इसका करेक्ट उत्तर है। क्या है बताओ? सी इसका करेक्ट उत्तर है। तो सी यहां पर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। चलिए देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है मेरे भाई पेडागोजी का, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन है आपके मॉक्स में। मॉक्स के वीडियोस देखिएगा, सेम क्वेश्चन डिट्टो आपको मिलेगा, सेम क्वेश्चन मेरे भाई जो हमने किया था मॉक में, कोई डिफरेंस नहीं है। टीचर्स इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स यूजुअली टीच देयर स्टूडेंट्स इन। अब जो टीचर्स होते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, वो सामान्यतः अपने स्टूडेंट्स को किस मेथड से पढ़ाते हैं आपको पता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। यही सेम डिट्टो क्वेश्चन मेरे भाई हम लोगों ने मॉक में किया है, पेडागोजी का कोई डिफरेंस नहीं था। तो आप देख लीजिए, डिट्टो क्वेश्चन मेरे भाई मॉक्स में जो है ना
पूछे गए हैं वो डायरेक्ट आपके पेपर में आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द ब्यूटिफुल रेनबो सून फेडेड ऑलवेज। अब देखिए कौन सा आप देखें, है ना, इसमें सब्जेक्ट है। अब आप देखें तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आपका वो ये वाला पार्ट है। क्या है बताओ? ये वाला पार्ट है। अब द ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल रेनबो सून फेडेड, आपको पता है इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। तो 70 का क्या होगा बताओ? डी होगा। मैच करते रहिएगा मेरे भाई, मैच करते रहिएगा। 70 का क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, आर्टिकल आपको इसमें बताना है। आर्टिकल के भी क्वेश्चन हमने किए हैं। रघु जो है क्या है? वन आइड मैन है। वन का साउंड कैसा है? कॉन्सोनेंट साउंड है। तो आपको पता है क्या होगा? आर्टिकल ए होगा। तो 71 का क्या होगा मेरे भाई? ए होगा। क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल। अब बताइए कौन सा प्लूरल है, यही बताना है। चाइल्ड प्लूरल है नहीं, आपको पता है चिल्ड्रेन होता है जी। ये कैटल प्लूरल है। कैटल क्या है बताओ? प्लूरल है जिसका मतलब होता है मवेशी। क्या होता है? मवेशी। और कैटल ऐसा प्लूरल है मेरे भाई जिसका कोई सिंगुलर वर्जन नहीं होता, आप सबको पता है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा? बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज इन प्लूरल। अगर आप देखें तो न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है, प्लूरल है ही नहीं है, है ना। आप देखें ये क्या है? इकोनॉमिक्स। आप देखें क्राइसिस, ये भी नहीं है, आपको पता है, है ना। टेनिस, ये भी नहीं है। तो आपको पता है यहाँ पे प्लूरल, वैसे तो ये सब सिंगुलर दिए हैं मेरे भाई, लेकिन आपको बता दूं जो ICS एंडिंग वर्ड्स होते हैं, याद रखिए इंग्लिश लैंग्वेज की दुनिया में वो वर्ड्स जो क्या होते हैं ICS एंडिंग होते हैं, जिनके लास्ट में आपको क्या दिखता है? ICS, जैसे फिजिक्स है, एथिक्स है, मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैथमेटिक्स है या इकोनॉमिक्स है, ये सब्जेक्ट के तौर पर जब ये यूज होते हैं तो ये सिंगुलर होते हैं, लेकिन ये प्लूरल की तरह भी ये यूज होते हैं। आपको बता दूं जब भी कोई ICS एंडिंग वर्ड क्वालिटी को दिखाता है, किसको शो करता है मेरे भाई? क्वालिटी को दिखाता है, तो ये प्लूरल का भी काम करता है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बताओ? बी होगा। क्या होगा भाई? बी। मैच कर लीजिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 73। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 74। ओके, थोड़ा एचपी डाउन कर लीजिएगा, जैसे अभिषेक आ रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 74 मेरे भाई, आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस इसमें पैसिव वॉइस में है। किस में है भाई? पैसिव वॉइस में है। अब आप खुद ही देखिए, है ना, माय नर्व्स आर बैड टुनाइट होगा, यहाँ पे इसे करेक्ट कर लीजिएगा। टाइपिंग एरर, ही टेक्स हिज क्लासेस पंक्चुअली, अ लेटर वाज रिटन बाय हिम यस्टरडे, इट लुक्स गुड एंड ग्रेसियस, आपको पता है वाज रिटन है। आप देखिए वाज है, ऑक्सिलरी वर्ब है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके साथ वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ रही है, दैट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो पैसिव वॉइस में क्या होगा बताओ? आपका सी वाला होगा। 74 का सी बताया है किसने? बताया शालू यादव ने, बताया है अभिषेक तिवारी ने, बताया है, हाँ जी अभिषेक तिवारी, शालू यादव, दोनों क्या है बताओ? सही हैं। वेरी गुड, शाबाश। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आंसर्स मैच करते रहिएगा। चलिए देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, ये थोड़ा सही कर लीजिएगा, ये टाइपिंग एरर है। फिल इन द ब्लैंक्स है मेरे भाई, क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है विद करेक्ट प्रेपोजिशन, यहाँ पे फुल स्टॉप है और क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू है। नीदर ही सॉरी हिज फादर। अब जरा देखिए, नीदर ही सॉरी हिज फादर, नीदर के साथ आपको पता है क्या आता है? नॉर आता है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा बताओ? नॉर होगा। आपको पता है बोथ के साथ एंड आता है, ईदर के साथ और आता है, नीदर के साथ नॉर आता है, और नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 75 का सी होगा। चलिए, एट द राइट सफिक्स टू प्लूरलाइज द वर्ड डिक्शनरी। अब आप देखिए डिक्शनरी है, इसका हमें क्या बनाना है? प्लूरल बनाना है। क्या बनाना है? प्लूरल। अब देखिए इसके लास्ट में क्या है बताओ? वाई है, और वाई है तो ये सिंगुलर तो है आपको पता है, लेकिन इसका प्लूरल बनाने के लिए हमेशा वाई जिसके लास्ट में होता है उसमें क्या जोड़ते हैं? आई ई एस जोड़ते हैं। जैसे लेडी है तो लेडी के लास्ट में वाई है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे? वाई हटा के आई ई एस क्या करेंगे? जोड़ेंगे, यानी लेडीज हो जाएगा। तो वैसे डिक्शनरी का क्या हो जाएगा? डिक्शनरीज हो जाएगा। सो इसका सी क्या होगा बताओ? करेक्ट उत्तर होगा। सी क्या होगा? करेक्ट उत्तर होगा। 76 का क्या होगा? सी।
तो जिन लोगों ने सी किया होगा वो सब बिल्कुल क्या है सही है। इतने आसान क्वेश्चंस मेरे भाई, इतना सिंपल, इतना ल्यूसिड, इतना बच्चों वाला पेपर आया है। अगर आपने सिर्फ 10 मार्क्स, मैं बार बार फिर बोल रहा हूँ, अगर सिर्फ 10 मार्क्स आपने एक्सीड के ढंग से अगर पढ़े होंगे, ढंग से अगर आपने किया होगा, तो गारंटीड है 30 में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटा होगा, क्योंकि बहुत सिंपल पेपर है मेरे भाई, बहुत सिंपल पेपर है, एकदम बच्चों वाला पेपर है। आप देख लीजिए, ये पैसेज है, होप आपने इस पैसेज को पढ़ा होगा, मैं इसके आंसर्स आपको बता दूं, है ना, देखिएगा समझिएगा क्या है। द गंगा इज अ सिंबल ऑफ, अब देखिएगा इस पैसेज में दो क्वेश्चन इस पैसेज से बेस पूछे गए थे, गंगा किस चीज का प्रतीक है, तो मैं आपको बता दूं इंडियाज इज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये भारत की आपको बता दूं, है ना, विशाल लंबी संस्कृति और सभ्यता का क्या है बताओ, ये प्रतीक है भारत की, सबसे जो प्राचीनतम जो संस्कृति है, प्राचीनतम जो आपकी सभ्यता है, उसका ये प्रतीक है गंगा। तो याद रखिएगा 70C का क्या हो, 77 का क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स लव्ड बाय द ऑथर मेंशन इन द गिवन पैसेज, विवन लिखा है बट दिस इज व्हाट गिवन नॉट विवन, सो करेक्ट इट, गिवन पैसेज। अब आपको बता दो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो ए होगा, स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द क्या बताओ, हिमालय, यानी बर्फ से ढकी जो चोटियां और हिमालय की गहरी क्या बताओ वादियां, है ना, इसकी क्या है बताओ, है ना, इस इन चीजों को ऑथर ने पैसेज में क्या किया है, मेंशन किया है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा बताओ, 78 का ए होगा, 78 का क्या होगा, ए होगा। तो जिन लोगों ने 78 का ए किया होगा वो सब बिल्कुल क्या है बताओ, सही है, याद रखिएगा 78 का क्या होगा बताओ, ए। मैच कर लीजिएगा मेरे भाई कि आप क्या करके आए हैं, करेक्ट आंसर क्या है आप मैच कर लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, अब आपको बता दूं क्या है, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट, तो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ याद रखिएगा प्रपोजिशन ऑन आता है, क्या इसमें ऑप्शन में ऑन है कहीं, एट टू जी ऑन है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर क्या है बताओ, सी, ऑप्शन नंबर क्या होगा बताओ, सी इसका करेक्ट उत्तर होगा, क्या होगा बताओ, सी इसका करेक्ट क्या होगा उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यस्टरडे यूरोपियन कॉल्ड इट माई ऑफिस, अब देखिए यूरोपियन इसका साउंड कैसा है आप बताइए, यूरोपियन साउंड कैसा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, कैसा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आपको पता है आर्टिकल क्या होगा, ए होगा, यानी 80 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, 80 का ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई, ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा इज सैक्रेड रिवर, यानी गंगा जो है पवित्र नदी है, अब आप बताइए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तो आपको पता है गंगा है, है ना, गंगा इन द सेंस आपको पता है नदी का नाम है, तो क्या लगेगा, आर्टिकल द ही लगेगा, और आर्टिकल द कहाँ देखें, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, वैसे भी ए और डी की कहानी यहीं से ख़त्म है, तो सैक्रेड रिवर है, पवित्र नदी है, तो रिवर है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है मेरे भाई, उसके पहले ये सैक्रेड पवित्र एडजेक्टिव आ गया, तो यहाँ आर्टिकल ए आएगा, तो इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा, सी होगा, 81 का क्या होगा मेरे भाई, सी होगा, नहीं 81 का ए नहीं होगा शालू यादव, अगर आप 81 का ए करके आए हैं तो बिल्कुल गलत है मेरे भाई, 81 का क्या होगा, सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए वॉल्ड क्विकली है, इसे सही कर लीजिए, वॉल्ड क्विकली कुछ नहीं, वॉक क्विकली होना चाहिए, क्या होगा, वॉक क्विकली, है ना, यू विल नॉट ओवरटेक हिम, चलिए अब जरा देखिए, वॉक क्विकली यू विल नॉट ओवरटेक हिम, अब यहां पे क्या होगा, लेस्ट हो नहीं सकता क्योंकि नॉट आ नहीं सकता, लेस्ट के साथ शुड आएगा, नॉर हो नहीं सकता, डबल नेगेटिव हो जाएगा, एंड हो नहीं सकता, आपको पता है यहां पर क्या होगा, डी उत्तर होगा, दैट इज व्हाट एल्स, क्या होगा बताओ, एल्स, क्या होगा, एल्स होगा। सो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 82 का क्या होगा बताओ, डी होगा, 82 का क्या होगा बताओ, डी होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट, थोड़ा सा इसे सही कर लीजिएगा, ये टाइपिंग छोटी मोटी एरर्स हैं मेरे भाई, करेक्ट क्या बताओ आर्टिकल, राजधानी एक्सप्रेस इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया, अब देखिए राजधानी एक्सप्रेस है, आपको पता है ये ट्रेन का नाम है, और सारी ट्रेन्स के नाम के पहले क्या लगता है, आर्टिकल द लगता है, और इधर भी देखें तो फास्टेस्ट भी क्या है, ये एडजेक्टिव की एसडी है, सुपरलेटिव डिग्री है,
और सारी एडजेक्टिव्स की सुपरलेटिव डिग्रीज के पहले क्या लगता है, आर्टिकल द लगता है, तो यहां भी द, दोनों में द, और दोनों में द किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इसका क्या होगा बताओ, करेक्ट आंसर होगा। तो 83 का क्या होगा बताओ, बी होगा, मैच कर लीजिए मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, क्वेश्चन नंबर 84, विच प्रीफिक्स कैन बी यूज बिफोर ऑल द फॉलोइंग वर्ड्स। अब देखिए ये वर्ड्स हैं आपके सामने हैं, कौन कौन से हैं देख लीजिए, प्रॉपर है, पोलाइट है, मॉर्टल है, मूवेबल है, इनके साथ कौन सा प्रीफिक्स आप यूज कर सकते हैं, अन, इल, इर या एम। तो अब देखिए अनप्रॉपर जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती, इल प्रॉपर भी नहीं होता है, इर प्रॉपर भी नहीं होता, वास्तव में क्या होगा, एम ही होगा यहाँ पे, क्योंकि इम प्रॉपर, इम पोलाइट, इम इमोरल और क्या बताओ, इमूवेबल होता है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा, डी होगा। सो 84 का क्या होगा बताओ, डी होगा। 84 का क्या होगा बताओ, डी होगा, मैच कर लीजिएगा मेरे भाई, आपने क्या किया है, मैच करते रहिएगा, 84 का डी होगा। लुक एट क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसमें आपको ये बताना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है। आपको पता है ये क्वालिटी, एक्शन और कंडीशन या स्टेट को दिखाता है, तो आप देखें ना तो टी दिखा रहा है, ना तो क्राउड दिखा रहा है, ना तो गोल्ड दिखा रहा है। आपको पता है कौन सा इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, आपको पता है ह्यूमैनिटी होगा, क्या होगा मेरे भाई, ह्यूमैनिटी। तो 85 का क्या होगा, सी होगा, 85 का क्या होगा मेरे भाई, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूरल ऑफ मैक्सिम। अब देखिए इसमें स्पेलिंग है ना, सही कर लीजिएगा, इसे सही कर लीजिएगा, यहाँ पर मैक्सिमम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम का है ना प्लूरल क्या होगा। अब देखो जिसके लास्ट में आपको बता दूं यूएम होता है वो तो सिंगुलर होगा ही होगा, क्या होगा, सिंगुलर। लेकिन आपको बता दूं ऐसे है ना नाउन्स का प्लूरल है ना एम ए जोड़कर बनता है, क्या जोड़कर बनता है, एम ए। जैसे मिनिमम है तो मिनिमम का जो प्लूरल बनता है वो मिनिमा बनता है, वैसे ही आपको बता दूं मैक्सिमम का जो बनेगा वो मैक्सिमा बनेगा, क्या बनेगा, मैक्सिमा। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा 86 का, ए दैट इज व्हाट, मैक्सिमा, क्या बताओ, मैक्सिमा। नेक्स्ट, एट द राइट सफिक्स टू प्लूरलाइज द वर्ड मेमेंटो, क्या बताओ, मेमेंटो। अब मेमेंटो इसका हमें क्या बनाना है मेरे भाई, इसको प्लूरलाइज करना है, प्लूरल बनाना है। अब लास्ट में इसके क्या है बताओ, ओ है, क्या है बताओ, ओ है, है ना। अब ओ है, ओ है, तो इसका क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है। जैसे ओ का मतलब, जैसे मैंने कहा मोटो है, तो मोटो में ओ है, तो प्लूरल कैसे बनेगा, एस जोड़कर, यानी मोटोज हो जाएगा, तो एस केवल जोड़ना है। अब इसमें देखिए आई एस है, वाई एस है, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, ऑप्शन ही अजीब है, इसमें एस कोई ऑप्शन नहीं, और नहीं है तो फिर हम लोग फिर किस में जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए दैट इज व्हाट, आई ई एस। वैसे मेमेंटो का जो प्लूरल होगा वो मेमेंटोस होगा, क्या होगा बताओ, मेमेंटोस होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड जरीना, क्या बताओ, जरीना। अब देखिए ये रशिया में पद होता है मेरे भाई, जार और जरीना, क्या होता है, जार और क्या बताओ, जरीना। कहाँ है ये, रशिया में, ये मेल है और ये फीमेल है, याद रखिएगा रशिया में जो राजा वजा होते हैं उनको क्या बोला जाता है, जार और जरीना, है ना। सो दिस इज अ रशियन, दिस इज अ व्हाट, रशियन वर्ड, आपको बता दूं ये एक रशियन वर्ड है। जरीना फेमिनिन जेंडर को दिखा रहा था, ऑप्शन कहीं नहीं है फेमिनिन, अच्छा है ऑप्शन नंबर ए है फेमिनिन जेंडर मेरे भाई, तो इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा, ए होगा, क्या होगा बताओ, ए होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन का ये क्वेश्चन है। अब जरा देखिएगा क्या है, कह रहे हैं कुली कैरीड सूटकेस, सही कर लीजिएगा स्पेलिंग, दिस इज सी नॉट ई। सो क्या है बताओ, कुली कैरीड सूटकेस हैज हेड अप, कुली ने सूटकेस क्या किया है, अपने सर पे रखा है ना, तो सर पे रखा है, तो सूटकेस सर का जो सरफेस है मेरे भाई उसको क्या करेगा, टच करेगा। और आपको पता है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज़ के सरफेस को क्या करता है, टच करता है, तो मेरे भाई वहाँ पे प्रपोजिशन क्या होता है, ऑन यूज होता है। क्या ऑप्शन कोई है ऑन, अगर आप देखें तो पहला ही क्या है बताओ, ऑन है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बताओ, ऑन होगा, क्या होगा मेरे भाई, ऑन। सो 89 का ए आदित्य सिंह, वेरी गुड, आपने सही जवाब दिया है, क्या होगा, ए होगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल।
अब देखिए ओसिस ये सिंगुलर है, ओसिस इसका प्लूरल होगा, रेडियस सिंगुलर है, रेडी होगा, स्टेडियम का आपको बता दूं स्टेडियम्स होगा, एल्यूमनी का आपको बता दूं ये भूतपूर्व छात्र किसी कॉलेज वगैरह के होते हैं, तो एल्यूमिनस होता है मेरे भाई, और एल्यूमिनाई इसका क्या होता है प्लूरल होता है, तो आपको बता दूं इसका जो प्लूरल है वो क्या है बताओ इनमें चारों में वो यही एल्यूमिनाई, तो आपको पता है ये कॉलेज के किसी स्कूल वगैरह के कॉलेज वगैरह के यूनिवर्सिटी वगैरह के जो भूतपूर्व छात्र होते हैं वो एल्यूमिनाई होते हैं, तो इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा बताओ डी होगा। तो ये आपका मेरे भाई क्या है सॉल्यूशन है यूपी टेट का पेपर का जो कल आपका हुआ था आपको पता है, और अनफॉर्चुनेटली ये क्या हो गया था बताओ कैंसिल हो गया था जिसका हम लोगों ने सॉल्यूशन किया है। अब आपने क्या किया है मेरे भाई कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए हैं आप इसे मैच कर लीजिए, होप आपने बेहतर किया होगा, क्योंकि आपको बता दो जो 10 मॉक टेस्ट मेरे भाई अगर आप उन 10 मॉक टेस्ट में आपने पार्टिसिपेट किया होगा उन 10 मॉक टेस्ट का फिर सॉल्यूशन जो हमने यहाँ पे अवेलेबल कराया था प्रोवाइड कराया था उन्हें ढंग से वॉच किया होगा तो आपने देखा होगा कि उन 10 मॉक टेस्ट का जो लेवल था उनका जो स्टैंडर्ड था उसके सामने ये जो कल का पेपर था कुछ भी नहीं था मेरे भाई कुछ भी नहीं था, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता दूं आपके मॉक टेस्ट से आपके एग्जाम में पूछी गई हैं बहुत सारी चीजें। अब आप देखिए कि मॉक टेस्ट आपके लिए इतना यूजफुल हो सकता है तो जब आप क्लासेस करेंगे जब आप कंप्लीट बैच करेंगे तो आप समझ सकते हैं आप जान सकते हैं कि आप कितना बेहतर कर सकते हैं आगामी जो आपकी है ना परीक्षा यूपीटेट की नई डेट जब भी है ना इसकी परीक्षा अभी मुझे कन्फर्म नहीं शायद कुछ लोग बता रहे हैं डेट आ गई जब भी होनी है तो आप उसमें बहुत बेहतर कर सकते हैं मेरे भाई। आपको पता ही है कि कल से बैच आपका स्टार्ट है तो आप आके क्लासेस करिए सारे सब्जेक्ट्स की आपको प्रॉपर क्लासेस मिलेंगी आप बेहतर कर सकते हैं ठीक है भाई। तो चलिए इसी के साथ आपका सॉल्यूशन भी खत्म हो गया है ना इंग्लिश के साथ आपका सॉल्यूशन खत्म हो गया आप अपने आंसर्स मैच कर लीजिए ठीक है मेरे भाई। चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा अपना है ना ख्याल रखिएगा पढ़ाई करते रहिए। Bye, good night, do take care of yourself. Jai Hind.